आपण आजचा सेमिनार चालू करूयात. यस सर, यस सर. संगमनेर फोटोग्राफर्स व व्हिडिओग्राफर्स असोसिएशन कडून मी आपल्या सर्वांचे स्वागत करतो. मागील दोन्ही सेमिनारमध्ये आपण संघटनेविषयी माहिती ऐकली. एकदा ती हिंदीमध्ये आणि दुसऱ्यांदा मराठीमध्ये, या दोन्ही भाषांमध्ये ती देण्यात आली. आता आपण लगेचच मुख्य प्रोग्रामकडे वळूया. आजचे आपले विशेष मेंटॉर्स आहेत समरेश जी अग्रवाल सर. नमस्कार सर, सभी को गुड नमस्कार. आफ्टरनून. वेरी गुड आफ्टरनून सर. समरेश जी अग्रवाल सर जो के नागपूर से, मी हिंदी मध्ये बोलतोय कारण ते पण हिंदी मध्ये, हिंदी भाषिक आहेत आणि बरेचसे मेंबर्स जे आहेत ते आपल्याला हिंदी म्हणजे संपूर्ण भारतभरामधून इथे जोडले जातात, त्यामुळे मी हिंदी भाषेमध्ये प्रयोग. समरेश जी अग्रवाल सर जो है वो नागपूर से है, जिनका मुख्य उद्देश्य जो है वह वेडिंग वीडियो एडिटिंग इंडस्ट्री को पूरे भारत भर में एक अच्छे मुकाम पर लेके जाना है. और इसी एक उद्देश्य के साथ उन्होंने क्विक एकेडमी ऑफ वीडियो एडिटिंग की स्थापना की. पिछले 6 सालों से वो इस इंडस्ट्री में है. निरंतर जो नया नया ज्ञान आता है वीडियो इंडस्ट्री में, उसको अर्जित कर अपने स्टूडेंट्स को बांटना उनका पैशन रहा. सीखना और सिखाना उनको बहुत ही अच्छा लगता है. उन्होंने अब तक 100 से भी ज्यादा वेबिनार्स और वर्कशॉप्स लिए हुए हैं. वह अपनी एकेडमी में सभी प्रकार के कोर्सेस चलाते हैं जिसमें वीडियो एडिटिंग के बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक के प्रोग्राम्स है. वहां पर उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को रहने के लिए अच्छी खासी व्यवस्था भी की हुई है. अब तक उन्होंने लगभग 1.5 से 2 हजार स्टूडेंट्स को पढ़ाया है. आज के इस सेमिनार में भी उनके बहुत सारे स्टूडेंट्स शामिल भी हुए. मैं स्वागत करता हूँ समरेश जी अग्रवाल सर आपका तहे दिल से, और आगे आप आपके स्टूडेंट्स को वीडियोग्राफी एडिटिंग के विषय में आप प्लीज जानकारी दीजिए. आज का विषय है सेंस ऑफ वीडियोग्राफी, और आज सर ने बहुत अच्छी अलग तरह से तैयारी की हुई है. वो हर एक सेमिनार में अलग अलग कुछ देने का प्रयास करते ही है. आज के इसमें कुछ अलग है. आप स्टूडेंट सब इसका आनंद ले और अपने व्यवसाय को बढ़ाए. आपका धन्यवाद सर. आप स्टार्ट कीजिए. स्टार्ट कर सकता हूँ सर कि कुछ और? यस सर, आप यस स्टार्ट सर, कीजिए. जस्ट मैं कुछ कहना चाहता हूँ यहाँ जी पर. जी सर, जी सर. ओके, सो आप सभी का स्वागत है आज के इस बहुत ही खूबसूरत सेशन में. संगमनेर तालुका फोटोग्राफर्स वीडियोग्राफर्स एसोसिएशन का बहुत तहे दिल से हम लोग अभिनंदन करते हैं कि आपने इतना खूबसूरत ये जो प्लेटफॉर्म बनाया है. बेसिकली सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आज का जो सेशन है उसके बारे में मुझे कुछ कहना जरूरी था, इसलिए मैं वो कह रहा हूँ कि समरेश अग्रवाल सर मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त है, लेकिन बहुत खूबसूरत मेंटोर है जिनका पूरे भारतवर्ष में बहुत से सेशन शुरू रहते हैं और कई स्टूडेंट्स उनसे सीखे. लेकिन आज के सेशन में जितने भी हमारे फोटो वीडियो कलाकार जो शामिल हुए उनके लिए कुछ मुझे बताना जरूरी है, इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा इन हुआ हूँ कि देखिए हम लोग फोटोग्राफी करते हैं, फोटो स्टूडियो होता है, वेडिंग फोटोग्राफी करते हैं, प्री वेडिंग फोटोग्राफी करते हैं. एक ब्रांड होता है हमारा, एक स्टूडियो होता है, एक हमारा खुद का एक नाम होता है. कई बार ये होता है कि भाई चलो वीडियो एडिटिंग की क्या जरूरत है अपने को, वीडियो की क्या जरूरत है, वो तो नॉलेज जो वीडियो करता है वो लेगा. आज का जमाना वो नहीं है. आज समरेश सर जो इन्फॉर्मेशन देने वाले उसी अकॉर्डिंग है कि जो भी अपने आप को इस इंडस्ट्री में आगे लेके जाना चाहता है वो
सब जो हमारे एलिमेंट्स हैं अलग अलग, जैसे प्रोफेशनल फोटोग्राफर के तौर पर हम लोगों को वीडियोग्राफी भी पता होनी चाहिए, जो ट्रेडिशनल वीडियोग्राफी की भी जानकारी होनी चाहिए, सिनेमाटोग्राफी की भी जानकारी होनी चाहिए, उसके एडिटिंग की भी जानकारी होनी चाहिए। वैसे हम लोगों को फोटोग्राफी के सभी टाइप्स और फोटो एडिटिंग भी जानना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। सो जिसे खुद का ब्रांड आगे लेके जाना है, उसे ये सब एलिमेंट्स, ये सब डिपार्टमेंट्स की जानकारी रखना जरूरी है। तो आज का सेशन जो है समरेश सर का, वो सिर्फ वीडियो एडिटर्स के लिए नहीं है, वो हर एक फोटोग्राफर को भी उतना जरूरी है जितना वीडियो एडिटर को जरूरी है। क्योंकि हमें पूरा प्रोजेक्ट ही संभालना होता है, हमें सिर्फ फोटोग्राफी अच्छी दे के फायदा नहीं होगा, हमें हमारा वीडियो का आउटपुट भी उतने खूबसूरती से देना बहुत जरूरी होगा। या फिर हम लोग वीडियो शूट कर रहे हैं, भाई एडिटर हमारा अलग होता है, तो शूट कैसे भी करे वो बराबर कर लेगा, वो भावना भी हमें थोड़ी बाजू रखनी है। और समरेश सर बहुत खूबसूरत आर्टिस्ट है, वीडियो एडिटर है, जो कि हम लोग मेरा भी कई एडिटिंग सर के पास चलता है, और सर का सोच जो है एक वीडियो एडिटर के अकॉर्डिंग वो बहुत ही खूबसूरत है। कई बार क्या होता है कि हम लोग सॉफ्टवेयर का नॉलेज लेते, लेकिन सॉफ्टवेयर के साथ उसमें का जो सेंस होता है वो कलाकार के अंदर होता है, बराबर? क्योंकि सॉफ्टवेयर में सेंस नहीं है, सेंस कलाकार के अंदर है। कलाकार जिस तरीके से सोचेगा उसी तरीके से वो सॉफ्टवेयर को यूज करेगा। तो आज पूरा ध्यान दीजिए कि हमें सिर्फ सॉफ्टवेयर या उसकी सेटिंग्स नहीं जाननी है, तो सर की जो खासियत है, सर का जो सॉन्ग्स का जो सिलेक्शन होता है, या उनकी जो बीट्स सर पकड़ते हैं, उनका जो सेंस है उसमें का, वो काफी खूबसूरत है, उस सेंस को हम लोग जानना चाहेंगे, राइट? और आप सभी को सेशन शुरू होने से पहले मैं आपके छोटे भाई के तौर पे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सभी प्रॉपर तरीके से बैठ जाइए, कोई सो के सिलेक्शन नहीं अटेंड करेगा, ये हमारी रिक्वेस्ट है प्लीज। क्योंकि जैसे समरेश सर बैठे हैं उसी तरीके से अगर आप बैठते हैं तो उनका रिस्पेक्ट रहेगा, हमें ज्ञान लेना है और ज्ञान दे रहे हैं सर, तो हम लोग उसी तरीके से बैठेंगे जैसे हम लोग स्कूल में भी प्रॉपर फॉलो करते थे। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है, और फिर से एक बार मैं समरेश सर का तहे दिल से हमारे गांव में, होम टाउन में, संगमनेर में स्वागत करता हूँ, और सर ये मंच आप स्वीकार, ये विनती करता हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, आपने बहुत खूबसूरत बातें बताई हैं आज के इस सेशन के बारे में, और मेरी जिम्मेदारियां बढ़ा दी है कि मैं आज बहुत आप लोगों को ऐसी कुछ चीज बताऊं कि जिससे कि सारे जो हमारे व्यूवर्स हैं उनको काफी कुछ बेनिफिट हो। वीडियो एडिटिंग या वीडियो एडिटिंग्स को छोड़कर भी काफी सारे टॉपिक पे हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं, और अभी स्क्रीन पर मैं एक बार मेरा स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ, फिर हम लोग बात करते हैं। राइट राइट, साउंड मेरा क्लियर है सबको? सचिन सर थोड़ा कम्युनिकेट करेंगे? परफेक्ट है सर, यस बहुत सर, बढ़िया है। कोई दिक्कत नहीं है। तो आज का सेशन चालू करने से पहले मैं आपको मेरे बारे में एक बार फिर से इंट्रोडक्शन दे देना चाहता हूँ कि मेरा नाम है समरेश अग्रवाल और मैं नागपुर में रहता हूँ, और मैंने अभी जस्ट 5 साल पहले वीडियो एडिटिंग सीखना चालू किया है, और अभी मुझे वीडियो एडिटिंग बहुत ज्यादा सीखना है, और हो सकता है कि मेरी पूरी उम्र इसको सीखने में बीत जाए। रोज कुछ नया सीखने मिलता है, तो मुझे नहीं लगता कि अभी वीडियो एडिटिंग का मैं 1% भी अचीव कर पाया हूँ। तो वीडियो एडिटिंग बहुत खूबसूरत सब्जेक्ट है और बहुत पावरफुल सब्जेक्ट है, साथ ही साथ में वीडियो एडिटिंग के लिए पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। तो पहला कि मैंने अभी वीडियो एडिटिंग सीखना चालू किया है, दूसरा मैं बाय प्रोफेशनल वीडियो एडिटर हूँ और वीडियो एडिटिंग कर ही अपना आगे का जो भी जीवन है वो चलाता हूँ, तो मैं बाय प्रोफेशन भी वीडियो एडिटर हूँ, और साथ ही साथ मैं वीडियो एडिटिंग के लिए फैकल्टी भी हूँ। कुछ लोगों को मैं अपने द्वारा जितना भी ज्ञान मैंने अभी तक लिया है वीडियो एडिटिंग का वो लोगों के साथ शेयर करने में ज्यादा बिलीव करता हूँ, इसलिए मैं ज्यादा से ज्यादा अपना जो भी नॉलेज है वो मैं शेयर करते रहता हूँ। तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था मेरे लिए, और आज के जो सेशन है उसके अंदर हम जो आज सीखने वाले हैं वो सब तो देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम छोटी सी एक बात को जानते हैं जो कि वीडियो एडिटर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कि वेडिंग फिल्म निर्माण में पोस्ट प्रोडक्शन का क्या महत्व है। मतलब जब हम एक वेडिंग वीडियो एडिट करने के लिए डालते हैं, या फिर हमारा एक वेडिंग वीडियो जब पूरा कंप्लीट होता है, तो उसके अंदर एक पोस्ट प्रोडक्शन की जो प्रोसेस है उसका क्या इंपॉर्टेंस है, उसके बारे में एक छोटी सी लाइन मैंने यहाँ लिखी है स्क्रीन पे कि प्रोडक्शन एक अत्याधिक सहयोगी प्रक्रिया है, यह तब शुरू होती है, 1 मिनट,
मेरा स्क्रीन जरा हट गया, सॉरी। परफेक्ट है सर, कोई दिक्कत नहीं, फिर से लेते हैं। तो यह तब शुरू होती है जब वेडिंग फिल्म की शूटिंग पूरी हो जाती है और जब दर्शकों को देखने के लिए अंतिम फिल्म बनाने के लिए फिल्म को इकट्ठा किया जाता है। मतलब पोस्ट प्रोडक्शन की प्रोसेस कब शुरू होती है, जब आप पूरा वेडिंग फिल्म शूट कर लेते हैं और उसको फाइनली आउटपुट दिखाना होता है, तो उसके लिए हम सारी फिल्म का जो भी कच्चा मटेरियल है उसको इकट्ठा करते हैं और उस कच्चे फुटेज में उसको काटने और पुनर्व्यवस्थित करने, संगीत, वॉइस ओवर, डबिंग, साउंड इफेक्ट, स्पेशल इफेक्ट आदि जितने भी सब कुछ प्रक्रिया है वो शामिल है। मतलब आप समझे कि अगर एक वीडियो एडिटर हमें बनना है तो उसके लिए हमें क्या क्या करना होगा। हमें फुटेज को समझ के उसकी कटिंग करनी होगी, उसको रीअरेंज करना होगा, उसमें साउंड लगाना होगा, उसमें वॉइस ओवर डालना होगा, उसमें डबिंग करनी होगी, साउंड इफेक्ट्स देने होंगे, स्पेशल इफेक्ट्स डालने होंगे और कलर करेक्शन करना होगा। तो इतनी सारी प्रोसेसेस हमें एक पोस्ट प्रोडक्शन में करनी होती है। तो वीडियो एडिटर अगर आपको बनना है तो सिर्फ ये नहीं कि आप एक सॉफ्टवेयर का नॉलेज ले लें तो आप वीडियो एडिटर बन जाएंगे। तो एक ये बेसिक सा इंट्रोडक्शन था कि वेडिंग वीडियो एडिटिंग जो है उसके लिए आपको क्या क्या करना होगा। तो मैं आज का सेशन ज्यादा बोर नहीं करूंगा आप लोगों को, ज्यादा मैं प्रेजेंटेशन नहीं दिखाऊंगा। हम लोग आज ज्यादातर वीडियो देखेंगे और एक वीडियो को देखने के बाद उस पर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो मुझे लगता है कि इसी में सबको ज्यादा मजा आएगा और आज का हमारा पहला वीडियो है उसको हम लोग प्ले करते हैं। पहले हम लोग वीडियो को पूरा देखते हैं और उसके बाद थोड़ा सा उस पर चर्चा करते हैं ताकि आपका जो विजन है वो थोड़ा सा क्लियर हो। तो आज के इस सेशन का जो मेरा मेन इंटेंशन है, सेंस ऑफ वीडियो एडिटिंग, ये हम लोगों को समझना है, ठीक है। साथ साथ में उसको समझ के उस तरीके से हमें काम करना है। तो आपको ये समझना है कि वीडियो एडिटिंग करने के लिए वीडियो का शूट होना भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और वो भी अच्छा शूट होना भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी शूट करके ला लेंगे और उसको एडिटर बहुत अच्छा बना देगा। एडिटर बना सकता है उसको अच्छा, बहुत कुछ अच्छा कर सकता है, लेकिन फिर भी उसकी एक लिमिटेशन है, ठीक है। अगर वरमाला पहनाते वक्त, मेरी एक छोटी सी बात समझे, वरमाला पहनाते वक्त अगर वरमाला शूट करना जो आपने स्टार्ट किया वो वरमाला पहनाने के बाद से स्टार्ट किया हुआ है, यानी कई बार ऐसा होता है कि हम कैमरा लेट स्टार्ट करते हैं, तो उस कंडीशन में एडिटर के हाथ बंधे हुए वो वरमाला पहनाते हुए की फुटेज नहीं ला सकता, ठीक है। तो आपको ये समझना होगा कि अच्छा शूट रहेगा तो उसको हम और ज्यादा अच्छा बना सकते हैं, और अगर हमारा शूट प्रॉपर नहीं है तो हम एडिटिंग में उसमें सहारा लेते हैं इफेक्ट्स का। तो हम ऐसी बहुत सारी बातें आज जानने वाले हैं, लेकिन पहले हम लोग वीडियो देखते हैं। सारंग दादा खूप छान आहे, तो खूप शांत आहे आणि पूजा वहिनी पण आम्हाला आवडते। पहिल्यांदाच पूजा वहिनीला बघितलं आणि एकदम जमून गेलं। आता त्याचं लग्न आहे तर आम्ही खूप एन्जॉय करणार आहोत, आमची पूर्ण गँगच आहे म्हणजे। होणार दादा तुझी रीती जान, माझ्या मनाला होते रे भान, गोडी गोडी पान फुला सबकी छान। इट्स लाईक अ ड्रीम फॉर मी, माझ्यासाठी एक स्वप्नासारखं आहे आणि एक टिपिकल अरेंज मॅरेज आहे। जस त्यांच्याकडून निरोप आला, माझ्या घरी चर्चा सुरू झाल्या, म्हणजे पूजा एवढी सुंदर मुलगी आणि क्यूट मुलगी माझ्या आयुष्यात येणं म्हणजे खूप मोठी गोष्ट आहे माझ्यासाठी, आणि नेचर वगैरे तिचं खूप छान आहे,
आणि खूप काइंड आहे. आणि जस्ट मग आम्ही फर्स्ट मीटमध्येच सगळं झालं, फिक्स झालं. नंतर मग आँखों की है ये ख्वाहिशें के चेहरे से तेरी ना हटे, नींदों में मेरी बस तेरे, ख्वाबों ने ली है करवटे. मैं तो तेरे रंग में रंग चुकी हूँ, बस तेरी बन चुकी हूँ. मेरा मुझ में कुछ नहीं सब तेरा. मैं तो तेरे ढंग में ढल चुकी हूँ, बस तेरी बन चुकी हूँ. मेरा मुझ में कुछ नहीं. मी पूजा. सारंग फर्स्ट टाइम मला भेटला होता तेव्हा तो खूप लाजत होता आणि तो अजिबात काहीच बोलत नव्हता. मला खूप वियर्ड वाटत होतं त्याच्यासोबत बोलायला. फिर दिल के रास्तों पे तेरी आहट जो हुई, हर धड़कन जश्न में है ये इनायत जो हुई. हॅलो हॅलो. हा निलेश सर, डिस्कनेक्ट झालं होतं का? हो डिस्कनेक्ट झालेलं आहे सरांचं. ते ट्राय करत आहेत. ठीक आहे ठीक आहे. नेटवर्क इश्यू असा. हॅलो. येस साऊंड आ रहा है सर? येस सर येस सर आ रहा है. कुछ तो नेटवर्क इश्यू तो शायद नेटवर्क का कुछ इश्यू रहा होगा और डिस्कनेक्ट हो गया. तो उस वीडियो का एंड आ ही गया था उस समय पे. अभी आपको क्या दिख रहा है? आप दिख रहे हैं सर, आपका स्क्रीन दिख रहा है. मैं दिख रहा हूँ, स्क्रीन दिख रहा है. ओके, कोई इशू नहीं. तो वीडियो को हम लोग थोड़ा सा पीछे से प्ले नहीं करते, थोड़ा जहाँ खत्म हुआ था वहीं पे प्ले करते हैं और उसको समझ लेते हैं पहले. I will try my best to make her happy in whole life. So best wishes from my side to Pooja and love you all. सर आपका आपका खुद का स्क्रीन दिख रहा है, वीडियो नहीं दिख रहा. हेलो. हाँ समरेश सर, एक मिनट, शायद वो कर रहे हैं सर, सेट कर रहे हैं. ओके. अब ये वीडियो जो आपने देखा, आपके लिए ये वीडियो बहुत हो सकता है नॉर्मल सी चीज़ हो, इसके अंदर ऐसा कुछ भी आपको नज़र नहीं आया हो कि बहुत मतलब वाव फैक्टर हो, ऐसा कुछ भी इसमें नज़र नहीं आया होगा आपको कि वाव फैक्टर वाली कोई बात हो रही है इसके अंदर में. ठीक है, पर इस वीडियो को हम थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कशन करेंगे ताकि आप लोग इस वीडियो को दिखाने का एक कारण समझ पाए. तो आपने जब ये वीडियो देखा, मैं एक बार इसको फिर से प्ले करूँगा और आपको इसको डिस्क्राइब करूंगा. तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि दो बच्चे हैं जो सर, समरेश सर आपका स्क्रीन नहीं दिख रहा है, बस आप खुद फुल स्क्रीन हो अभी. अच्छा, शेयर स्क्रीन कर दीजिए. एक मिनट, आपको वीडियो जो अभी प्ले किया वो भी नहीं दिखा होगा आगे का? नहीं, आगे का नहीं दिखा है. ओके ओके, अब ठीक है.
यस यस परफेक्ट हम लोग अभी आगे का डिस्कशन करते हैं, ऐसा करते हैं वीडियो को और दोबारा प्ले नहीं करते हैं, और डिस्कशन करते हैं उस पर। यस सर यस। तो मैं आता हूँ यहाँ वीडियो पे। यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर दो बच्चे आपको दिखाई दे रहे हैं, और वो बच्चे हो सकते हैं कि वो जो लड़का है जिसकी शादी है उसकी सिस्टर हो, और दोनों की एक उम्र है कि 10-11 साल के बच्चे होंगे दोनों की दोनों, और उन दोनों की फीलिंग्स को यहाँ पर कैप्चर किया गया है। फीलिंग्स का मतलब वो अपने घर में एक भाभी आने वाली है उसके बारे में उन लोगों का जो एक्साइटमेंट है उसको उन्होंने उस वीडियो के अंदर में बोल के कुछ बताया हुआ है, और उस भाभी आने वाली खुशी के अंदर में काफी सारे ऐसे वेडिंग मोमेंट्स है जिसको वो लोग एंजॉय करने वाले हैं। ऐसी कई बातें उन्होंने बोली है कि आज मेरे भाई की शादी है और हम लोग खूब मस्ती करने वाले हैं, हमारे और फ्रेंड्स आने वाले हैं, ये वो बहुत सारी बातें उन्होंने बताई है। तो हमने यहाँ पर एक गाना जो सिलेक्ट किया हुआ है वो अगर आप ध्यान से देखेंगे, गोरी गोरी पान फूला सर की छान, दादा मला एक नवरी आन वैनी आन। तो अगर आपको ये गाना ऐसे नॉर्मल कंडीशन में दिया जाए और आपको बोला जाए कि वेडिंग में यूज करो इसको, इस गाने को, तो आप बोलेंगे यार ये तो बच्चों का गाना है, इसको कैसे यूज करेंगे हम। तो आपको यही आपका सेंस क्रिएट करना है कि आपके पास जो फुटेज है उस फुटेज में से आपको ऐसा कौन सा कंटेंट मिल रहा है जिसके लिए हम कुछ राइट सॉन्ग्स मतलब ऑडियो को सिलेक्शन कर पाए। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वो जो फीलिंग्स है बच्चों की, वो फीलिंग आपकी इस फुटेज के साथ में कनेक्ट कर रहे हैं हम लोग, जिसके अंदर दिखाया गया है कि लड़का जो है वो लड़की के लिए जो भी फीलिंग्स रखता है वो एक साइड में करके, हमने जो बच्चे लोग उस अपनी आने वाली भाभी के लिए एक फीलिंग रखते हैं, वो फीलिंग्स को मैंने इस ऑडियो के अंदर में ऑडियो के थ्रू यहाँ पे प्रेजेंट किया हुआ है। तो आप इसको ध्यान से समझ सकते हैं, इस वीडियो को आप मेरे यूट्यूब चैनल पे भी देख सकते हैं बाद में। अभी इसको खाली अंडरस्टैंड करते हैं हम लोग कि पहले हम ऑडियो के बारे में डिस्कशन करेंगे, और मैंने जानबूझ के ये एक इस तरीके का फुटेज लिया हुआ है क्योंकि क्या होता है कि हम बहुत हाई प्रोफाइल वीडियो देखेंगे ना तो हमारे पास सबसे ज्यादा कमेंट क्या आती है, ऐसा वीडियो तो हमारे पास आता ही नहीं, ऐसे तो शूट हमारे पास आते ही नहीं है। तो हम उस शूट के बारे में बाद में थोड़ा बहुत डिस्कशन करेंगे, लेकिन पहले हम जो बेसिक काम हमारे पास में आता है उसको डिस्कशन करते हैं। इसलिए मैंने ये वीडियो को सिलेक्ट किया कि इसके अंदर तीन अलग अलग पैरामीटर्स है और हम वो तीनों को समझ पाएंगे। तो पहला पैरामीटर था इसके अंदर में कि जो बच्चे हैं उनकी फीलिंग्स को हमने देखा, तो आपके लिए उसमें गाना जो सिलेक्ट किया गया वो दादा मला एक वैनी आन, ठीक है। तो उसके बाद सेकंड, अगर आप इसके अंदर पार्ट में आते हैं, यहाँ से सेकंड पार्ट स्टार्ट होता है, इसके अंदर आप अगर देखेंगे या समझेंगे इसको तो यहाँ से हमने इस वीडियो का मूड जो है वो थोड़ा सा रोमांस के तरफ में शिफ्ट किया है। अभी तक तो था वो मस्ती भरा मूड था, बच्चों के एंगल से था, मस्ती बच्चों की जो थी वो दिखाना था मुझे। अब आगे का जो वीडियो है वो हमने थोड़ा रोमांस का मोड लिया है, लेकिन इसके अंदर में दो पार्ट है। अब रोमांस दो लोगों के बीच में होता है, एक लड़का और एक लड़की, इन दोनों के बीच में होता है और दोनों की सेपरेट अलग अलग फीलिंग्स होती है। तो यहाँ पर हमने दो अलग अलग पार्टीशन किए, कुछ पार्ट हमने लड़के को हाईलाइट करके दिखाया हुआ है, कुछ लड़की को हाईलाइट करके दिखाया हुआ है। तो इसको यहां से थोड़ा सा आगे तक हम फिर से एक बार देखते हैं, फिर उस पर डिस्कशन करते हैं। मुलगी माझ्या आयुष्यात येणं म्हणजे खूप मोठी गोष्ट आहे माझ्यासाठी, आणि नेचर वगैरे तिचं खूप छान आहे आणि खूप काइंड आहे, आणि जस्ट मग आम्ही फर्स्ट मीटमध्येच सगळं झालं, फिक्स झालं। नंतर मग आँखों की है ये ख्वाहिशें के चेहरे से तेरी ना हटे। अब यहाँ पर मैं वीडियो को रोकता हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा आपने कनेक्टिविटी को समझना है। सेंस की बात के ऊपर हम लोग यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं, किसी को भी कोई भी क्वेश्चन है कुछ भी है तो वो आप नोट डाउन करके रखें, हम लोग उसको लास्ट में देखते हैं। तो यहाँ पर एक कनेक्टिविटी है, यहाँ पर लड़के जो बाइट दे रहा है, जो भी वो लड़की के बारे में बोल रहा है कि हमने उसको देखा और उसके साथ में पहली बार में ही कनेक्ट हो गया, और वो इतनी खूबसूरत लड़की है, मेरे लिए बनी है क्या, यानी मेरे को विश्वास नहीं हो रहा है कि वो लड़की इतनी खूबसूरत वो मेरे लिए
हाँ बोल रही है या फिर जो भी उन लोगों का हो रहा है उसके बारे में उसने बोला कि मेरे लिए मेरे को विश्वास ही नहीं हो रहा है इस बात को लेके, राइट। अब इसको मैंने आगे कनेक्ट किया है तो गाना क्या लिया है इसके अंदर में, ऑडियो क्या डाला है, आप ऑडियो को सगळं झालं फिक्स झालं नंतर मग आँखों की है ये ख्वाहिशें के चेहरे से तेरी ना हटे नींदों में मैं आँखों की है ये ख्वाहिशें चेहरे से तेरी ना हटे, ये जो वर्डिंग है ये उसकी बाइट के साथ में कनेक्ट करती है। आप उसको अगर ध्यान से फिर से देखेंगे पूरे वीडियो को तो आपको समझ में आएगा कि जो बाइट में उसने बोला है कि वो लड़की इतनी खूबसूरत है और मेरे लिए तो वो एक सपने जैसी है तो उसको वो भरोसा नहीं है, तो वो उस लड़की को देख के उसकी खुद की फीलिंग क्या है उस चीज को वो कनेक्ट कर रहा है। अभी हमने यहाँ पे फुटेज क्या मिला, ये सेकेंडरी पार्ट है, ठीक है। पहले हमने उसकी जो ऑडियो की फीलिंग्स है उसको यहाँ पर मिलाने की कोशिश की है ताकि वो जिसके लिए भी वीडियो बन रहा है, अब देखो आपके लिए ये वीडियो नहीं बन रहा तो हो सकता है आप उतने ज्यादा कनेक्ट नहीं होंगे जितना ज्यादा मैं कनेक्ट हो रहा हूँ अभी इस फुटेज के साथ में, या फिर ये जिनकी फुटेज है जो लड़का लड़की उनके फैमिली मेंबर्स है वो जितने कनेक्ट होंगे वो आप उतने ज्यादा शायद नहीं होंगे, लेकिन फिर भी मैं देखता हूँ कि ये कनेक्शंस आपको जब समझा दूं तो शायद आप इस चीज को समझ पाए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तो तीसरा जो पैरामीटर यहाँ पर लिया था हमने वो लिया था लड़की के अंदर, तो अजिबात काहीच बोलत नव्हता, मला खूप वियर्ड वाटत होत त्याच्यासोबत बोलायला। अभी ये जो वीडियो आपने देखा हुआ है ना इसके अंदर मैंने आपको जो बताना चाहता हूँ उसके बारे में थोड़ा सा आप डिस्कशन करते हैं और मैं इसको जो स्क्रीन को है उसको शेयरिंग को थोड़ा सा बंद करता हूँ और मेन आपकी स्क्रीन पे आ जाता हूँ, स्पॉटलाइट फॉर एवरीवन, राइट। तो अब हम लोग यहाँ पर उस वीडियो के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं कि इस वीडियो में मैंने तीन अलग अलग कैरेक्टर को हाईलाइट किया हुआ है और उस कैरेक्टर की फीलिंग्स के हिसाब से हमने ऑडियो को वहां पर सिलेक्ट किया हुआ है। अब जनरली हमारे वीडियो एडिटर का पैटर्न क्या होता है कि एक कोई भी गाना जो अभी मार्केट में ट्रेंड में चल रहा हो उस गाने को उठा लेंगे हम लोग और उसके ऊपर में पूरी शादी की फुटेज को हम लोग अरेंज कर देंगे। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मैंने क्या किया था, आपने अगर पूरे वीडियो को रिकलेक्ट करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि शादी की फुटेज भी इसके अंदर ऐड की हुई है, साथ साथ में ज्यादातर जो हाईलाइट किया है वो लड़का लड़की की जो वर्डिंग्स है उसको मैच करते हुए उनके जो भी फीलिंग्स मेरे को पूरे वेडिंग में मिले उसको मैच करके हमने यहाँ पर बीच बीच में वेडिंग को ऐड किया हुआ है। आप इन चीजों को समझने की कोशिश करिए कि सेंस के अंदर में आपको ये समझना है कि आपका जो वीडियो है उसकी जान कहाँ पर है, उसकी जान आपको मिलेगी हमेशा उसके ऑडियो के अंदर, ऑडियो के साथ साथ उसके ओरिजिनल ऑडियो के अंदर ज्यादा उसकी जान मिलेगी, हमेशा ये ध्यान रखिए। तो आपका जब भी वीडियो आप एडिट करते हो तो ऑडियो का सेंस होना भी आपको बहुत ज्यादा जरूरी है और ऑडियो के साथ साथ में आप उसमें वीडियो प्रेजेंटेशन किस तरीके से सिलेक्ट करते हो उसको समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो एज अ एडिटर ये सब चीजें आपको समझना है, इसके लिए मैंने एक छोटा सा डिस्कशन लिया था आपके साथ में, राइट। अब इससे रिलेटेड किसी को कोई भी क्वेश्चन है तो आप वो मुझे यहाँ पर शेयर करें चैट बॉक्स में, हम लोग उस पर बात करेंगे। उसके बाद हम वापस आते हैं स्क्रीन पे। सर एक बात करनी थी मुझे कि आपका वीडियो जब प्ले होता है ना तो थोड़ा सा रुक रुक के चल रहा है, तो क्या वीडियो प्ले होते वक्त में सबसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप अपना वीडियो जो है वो म्यूट मतलब ये कर दे बंद कर दे ताकि स्ट्रीमिंग के लिए जो बैंडविड्थ है वो ज्यादा मिले। ओके ओके राइट। कई बार क्या होता है कि बहुत सारे लोग अपना अपना वीडियो ऑन करते हैं, नेटवर्क स्ट्रांग नहीं होता है तो वहां पर वीडियो स्ट्रीमिंग के वक्त में जो आपको इनपुट आ रहा है वो स्लो हो जाता है क्योंकि यहाँ से इनपुट भी आ रहा है आउटपुट भी जा रहा है दोनों चल रहा होता है, राइट। परफेक्ट। तो सभी को रिक्वेस्ट रहेगी कि सर का वीडियो जब प्ले हो जाएगा तब आपका वीडियो कैमरा बंद कर दीजिए, राइट। अब इसके बाद में हम लोग बात करते हैं कि एक वीडियो एडिटर को क्या क्या चीजें समझना चाहिए। तो उसको सबसे पहले एक वीडियो एडिटर को नॉलेज होना चाहिए उसके सॉफ्टवेयर का पूरा। अगर सॉफ्टवेयर का नॉलेज नहीं है उसको तो हो सकता है कि जो चीज वो आसानी से कर सकता हो वो नहीं कर पा रहा हो। सॉफ्टवेयर क्या है आपके लिए, एक टूल है। सर ने जैसे अभी सचिन सर ने बताया
सॉफ्टवेयर क्या है? एक टूल है। टूल मतलब क्या? तो टूल यानी आपके लिए एक हथियार है जिससे कि आप कोई चीज को खोलेंगे या बंद करेंगे, राइट? वैसे ही सॉफ्टवेयर आपके लिए एक टूल है जिसमें से आप आपकी पूरी इमेजेस को कट करेंगे, उस पर एडिट में कुछ इफेक्ट डालेंगे, कुछ भी डालेंगे। लेकिन इन वीडियो एडिटिंग का जो मेन कंटेंट है वो तो आपका वीडियो फुटेज है। तो आपको जो भी सिलेक्शन करना है, समझ रखनी है, वो सारे की सारी वेडिंग फुटेज की रखनी है, ना कि सॉफ्टवेयर के बारे में इतनी ज्यादा कि हम लोग सॉफ्टवेयर पे ही पूरा डिपेंडेंट हो जाए, राइट? दूसरा होना चाहिए वेडिंग इमोशंस, जिसके बारे में अभी हम लोग बात कर रहे थे। तो वेडिंग इमोशन के लिए एक प्री वेडिंग का वीडियो है, पहले हम उसको प्ले करते हैं, फिर उस वीडियो के बारे में हम थोड़ा सा सचिन सर से डिस्कशन करेंगे। देखिए, आज के वीडियो को, आज का जो सेशन है उसको मैंने थोड़ा बदलने की कोशिश किया है, आपको कुछ दिखा के समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, ठीक है? तो हो सकता है कि आप लोगों को ये लगे कि इस वीडियो के अंदर में या आज के सेशन में आप लोगों को ऐसे कुछ कट टू कट सीखने के लिए नहीं मिल रहा है। ऐसा नहीं है, हम जैसे जैसे आगे जाएंगे हम लोग इसके अंदर में काफी सारे ऐसे पॉइंट्स को ऐड करेंगे जिससे कि आप थोड़े बहुत इफेक्ट्स बनाना भी सीखेंगे, लेकिन उससे पहले हमें जो सेंस के बारे में समझना है उसकी बात करेंगे, ठीक है? तो अभी एक प्री वेडिंग का वीडियो है उसको हम उससे पहले ये जो वेडिंग का जो आपने बताया अभी, हाँ, तो इसमें मैं कुछ आपके साथ डिस्कशन करना चाहता हूँ सभी के ओर से, कि जैसे आपका क्या फॉर्मेट होता है कि आप सॉन्ग कैसे फाइनल करते हैं, मतलब जैसे ये फुटेज जो देखा और वो छोटी बच्चिया जैसे बात कर रही थी कि मराठी का तो बहुत फेमस सॉन्ग है वो, दादा मला एक वैनियान, सो आप कैसे डिसाइड करते हैं कि यहाँ पर कौन सा सॉन्ग यूज करना है? जैसे मैंने देखा आपने बहुत बार कहिया वहां पे रखे कि जब आंखों के बारे में बात की गई तो आंखों के क्लोजअप लिए आपने, उसके सपने के बारे में बात की तो उनका पूरा फेस, और जब लड़के का आवाज है तो लड़के का फेस दिख रहा है, तो क्या ये आप उतना डीप सोचकर करते हैं या फिर आप अंदाजे से उसको कनेक्ट करते हैं, कैसे आपका प्रोसेस क्या होता है सर? राइट सर, बहुत अच्छा आपने इस चीज को यहाँ पर पूछा और मुझे लग ही रहा था कि कहीं ना कहीं इस तरीके का क्वेश्चन आना चाहिए, तब जाके हम लोग इस पे ज्यादा डिटेल चर्चा कर पाए, क्योंकि वन वे कम्युनिकेशन में ये नहीं समझ में आता है कि क्या चाहिए आपको, राइट? तो अभी ये जो प्रोसेस है इसको करने के लिए, वेडिंग वीडियो एडिटिंग के लिए, तो उसके लिए एक प्रोसेस है। प्रोसेस ये है कि सबसे पहली प्रोसेस होती है, आपके पास जितना भी वेडिंग वीडियो का डेटा आपकी टाइमलाइन पे आया हुआ है उसको आप कितनी बारीकाई से देखते हैं, ठीक है? देखने का मतलब होता है कि ऐसा नहीं कि आपने उसमें देख लिया कि यहाँ पर हल्दी हो रही है, यहाँ पर शादी हो रही है, यहाँ पर ये हो रहा है, ये नहीं। देखने के लिए आपको बहुत सारे पैरामीटर्स है, जो मेरे शायद पिछले वर्कशॉप में अभी जो गई उसमें मैंने काफी सारा एक्सप्लेन किया था, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट में उस चीज को एक्सप्लेन कर देता हूँ कि वेडिंग वीडियो देखना यानी सिर्फ वेडिंग के फंक्शंस देखना नहीं, उसके अंदर में बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, और आपका वो जो देखने का नजरिया है वही आपका एडिटिंग करने का नजरिया होता है, राइट? जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं कि वेडिंग फुटेज आपने टाइमलाइन पे डाल दिया है तो आप क्या देखेंगे? अगर मैं क्वेश्चन करूं आपसे तो आप क्या उसका जवाब देंगे? कोई भी एक जन, सर सचिन सर हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, हाँ। कि अगर मैंने बोला कि आपने टाइमलाइन पे एक वीडियो का डेटा डाल दिया है पूरा, और आपको मैंने बोला कि आप इसको देखो, तो आप उसमें क्या देखेंगे? अब ये नजरिया समझना है। देखो, अभी एज अ वीडियो एडिटर तो आप नहीं हो, राइट? राइट, आप वीडियो एडिटर नहीं हो, लेकिन आप एक फोटोग्राफर हो, राइट? अब आप भी वीडियो का काम करते हैं, वीडियो शूट करते हैं, अपने क्लाइंट को डिलीवर करते हैं, राइट? राइट, लेकिन अभी आपको मैं बोल रहा हूँ कि टाइमलाइन पे आपका जो आपने एडिट शूट किया हुआ डेटा है वो मैंने टाइमलाइन पे डाल दिया और आप इसको देखो, तो आप उसमें क्या देखेंगे? आपका सेंस क्या बोलता है? हम यहाँ पे थोड़ा सा बात करते हैं, राइट? ओके, मुझे लगता है कि अगर सिर्फ फुटेज देखना है तो हम लोग कुछ मोमेंट्स देखेंगे, उसमें कौन इम्पोर्टेंट है वो देख सकते हैं, लेकिन अगर सॉन्ग फाइनल है तो सॉन्ग के अकॉर्डिंग भी वो फुटेज देख सकते हैं। मेरा थोड़ा सर एक बार मैं आपको ये चीज बता देता हूँ सभी लोगों को, क्योंकि सब लोग यहाँ पर कंफ्यूजन रहता है सबका, राइट? जितने भी लोग यहाँ पर अभी अटेंड कर रहे हैं वो टाइमलाइन पे वीडियो डालने के बाद यहीं से सबसे बड़ी परेशानी है कि मेरा क्वेश्चन है कि सबसे पहली स्टेप आप क्या करेंगे? वीडियो को देखेंगे, और वीडियो में क्या देखेंगे? तो यहाँ पर हो गया कि आपने सॉन्ग सिलेक्ट कर लिया। सॉन्ग सिलेक्शन कब होगा? जब आप वीडियो को देखेंगे, समझेंगे उसके बाद या उसके पहले? हाँ, वही समझना है हमें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि सपोज मेरे माइंड में ऑलरेडी एक सॉन्ग चल रहा है, राइट? मैं वो उस फुटेज में ढूंढता हूँ, अगर वहां पे कुछ आंखों के बारे में बताया गया, लिप्स के बारे में बताया गया, या फिर एक दूसरे के बारे में, राइट? तो एग्जैक्ट क्या प्रोसेस होना चाहिए, क्योंकि कई बार होता है कि भाई देखो, आप जो सोचते हो वो नजरिया होना चाहिए एक सिनेमेटोग्राफर का,
जब वो शूट करता है तब, क्योंकि शूट करने से पहले उसके माइंड में अगर कोई ऑडियो है तो वो उस ऑडियो को पूरा समझेगा और उसके बाद उसके अकॉर्डिंग शूट करके आपको डेटा देगा, तो उस चीज को हम मैच करेंगे। लेकिन यहाँ एडिटिंग टेबल पे क्या होता है कि हमारे पास ऐसा कोई सोचा समझा डेटा नहीं आता है, राइट? 99% नहीं, 99.99% यानी 0.01% ही बोलेंगे कि जहाँ पे सोचा समझा डेटा आता है, ठीक है। तो इतना डेटा जब अगर सोचे समझे आपके पास में आता है तो आप उसकी प्रोसीजर कैसे करेंगे? वीडियो समझने के बाद करेंगे ऑडियो पे काम की पहले ऑडियो सिलेक्ट करके फिर वीडियो को सिलेक्ट करना चालू करेंगे? तो इसमें कॉमन सेंस की बात यह है कि जब तक आपको ये नहीं पता कि आपके पास में मसाला दाल चावल घर में क्या आपके पास अनाज रखा है, आप कैसे प्लान कर सकते हैं कि मुझे आज ये डिश खानी है, राइट? जैसे यहाँ पे कैन स्टोरीज फिल्म्स करके उन्होंने चैट किया है कि इमोशंस को देखेंगे, हैप्पीनेस और कैंडिड मोमेंट्स, राइट? हम लोग आएंगे उसके ऊपर में। तो अभी यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है वो ये समझना है कि प्रोसीजर कैसे स्टार्ट करेंगे। तो प्रोसीजर स्टार्ट करने का बहुत सिंपल सा तरीका है, अगर आप टाइम दे सकते हैं आज थोड़ा सा ज्यादा, जैसे अभी हमने अगर 2 घंटे का सेशन लगाया है, 2 की बजाय अगर 3 घंटे हो गया, तो अगर चल सकता है तो हम थोड़ा सा टाइमलाइन पे जाके इसको भी समझने की कोशिश करेंगे थोड़ी देर के बाद में, ठीक है? तो पहली प्रोसीजर होनी चाहिए आपका वीडियो को देखना, और उसको देखने के बाद आपको आपका ऑडियो सिलेक्शन वगैरह सब करना है। अब देखने के अंदर में क्या क्या चीज होती है देखने की, तो उसके अंदर देखने के लिए जरूरत होती है, देखो कॉमन चीजें हर शादी में है कि हल्दी होने वाली है हर शादी में होने वाली है, शादी लगने वाली है हर शादी में होने वाला है, बारात होने वाली है हर शादी में होने वाली है, फेरे होने वाले हर शादी में होने वाले, तो अलग क्या है जिसकी वजह से आपकी फुटेज अलग बनेगी, राइट? इस तरीके से सोचना चालू करना पड़ेगा। और जब आप वेडिंग फुटेज देखना चालू करते हैं तो उसका इम्पैक्ट, ठीक है, कैसे होगा, तो आप ये समझिए कि सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पर, मैंने उस दिन भी बताया है इसके पहले के सेशन में, कि आपको समझना होगा जो भी आप जिसके लिए भी एडिट कर रहे हैं उसका नजरिया, मतलब जिसकी शादी है लड़का लड़की जिसकी भी शादी है उस फैमिली के लिए आपको सोचना है, और उस फैमिली का स्टैंडर्ड आपको सबसे पहले समझना है उस वेडिंग फुटेज को देख के, तभी आप एक अच्छा ऑडियो सिलेक्ट कर पाएंगे। आप ये चीज को समझना। आप स्टैंडर्ड का मतलब क्या है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उसको आप आंखों की वो कितने पैसे वाला है, ऐसा नहीं, उसका लिविंग स्टाइल क्या है। सपोज अभी अगर मेरे पास एक कलेक्टर का फुटेज आ गया, कलेक्टर यानी एक अच्छी पोजीशन है, क्लास 1 ऑफिसर है, उसका फुटेज मेरे पास आ गया और मैं उस वीडियो को देख रहा हूँ, तो मेरे माइंड में पहली जो इम्प्रेशन वो क्या है, कलेक्टर है, ठीक है, ये होना चाहिए। ये वेडिंग फुटेज है वो बाद में, पहले वो कलेक्टर है, ये अपने माइंड में आना चाहिए। दूसरा इंप्रेशन क्या होना चाहिए कि कलेक्टर है तो उसका सर्कल किस टाइप का होना चाहिए, कलेक्टर का क्लास 1 ऑफिसर का सर्कल भी क्लास 1 जैसा ही रहने वाला है, ठीक है, तो आपका उसका स्टैंडर्ड डिफाइन हो गया कि आपको क्लास 1 ऑफिसर है, इसलिए आपका जो सिलेक्शन है वो भी क्लास 1 होना चाहिए। अब क्लास 1 सिलेक्शन यानी क्या, तो आप ये समझो कलेक्टर है तो उसको गाना कौन सा पसंद आएगा, आप उसको गाना तो नहीं डाल सकते ऐसा कोई झिंगाट, कलेक्टर को पसंद आएगा क्या एकदम नाचने वाला झिंगाट सॉन्ग आपके वीडियो वेडिंग वीडियो में? नहीं आएगा, उसका टेस्ट हमेशा रहेगा सोबर, उसको सॉफ्ट गाने चाहिए रहेंगे, सॉफ्ट ऑडियो चाहिए रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर वही फुटेज आपके पास में आ रही है, एक ऐसा फुटेज है जो कि घर के सामने एक छोटा सा मंडप डाल के और उसको लाल कपड़ा बांध के और उसको किया हुआ है, और आपको समझ में आ रहा है कि थोड़ा सा एरिया जो है वो लो क्लास का है और वहां पर आपको वीडियो एडिट करना है, तो आप क्या करेंगे, वहां पर आप उसको सोबर ऑडियो कनेक्शन ऑडियो सिलेक्शन नहीं दे सकते, क्योंकि उनकी चॉइस हमेशा थोड़ी सी तड़क भड़क रहेंगी, उनको कलर्स भी ज्यादा पसंद आएंगे, इफेक्ट्स भी ज्यादा लगेंगे, उनको ऑडियो भी जो थोड़ा सा ज्यादा बीट वाला लगेगा, राइट। तो आपको उसका जो सबसे पहले लिविंग स्टैंडर्ड को आइडेंटिफाई करना है आपके वीडियो के अंदर में कि वो स्टैंडर्ड कैसा है, क्योंकि एडिटर, आप एडिटर हो, आप अभी सिनेमेटोग्राफर नहीं हो कि शूट करने गए वहां पर ये सब चीजें कर लेंगे, या आपको पहले से पता है टाइमलाइन पे आने के बाद आप देख रहे हो उस पार्टी को, आपको उसके पहले उसका कोई बैकग्राउंड नहीं पता है ना, तो सबसे पहला इंप्रेशन आपके माइंड में होना चाहिए कि उसका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो क्या है, उसके हिसाब से आपकी सोच को आपको चेंज करना है, उसमें गाना आपको उस तरीके का सोबर लेना पड़ेगा, आपको उसके अंदर इफेक्ट जो है वो भी आपको सोबर लेने पड़ेंगे, ना कि कोई एकदम तड़क भड़क उड़ते हुए इफेक्ट डालने पड़ेंगे। तो पहला पॉइंट आपको ये समझना है लिविंग स्टैंडर्ड, दूसरा पॉइंट आपको समझना है उसकी लैंग्वेज कम्युनिटी, मतलब कि वो किस लैंग्वेज में कम्युनिकेट कर रहे हैं सारे के सारे लोग आपस में,
जैसे अगर मैं बोलूं कि अगर आप महाराष्ट्रियन हो, मराठी भाषा में आप लोग कम्युनिकेट करते हैं और मैं आपको एक पंजाबी गाना डाल के दे दूं, तो आपके लिए वो ज्यादा इम्पैक्टफुल रहेगा या मराठी गाना ज्यादा इम्पैक्टफुल रहेगा, क्या होना चाहिए आपके लिए? जनरली मराठी में ज्यादा वो फीलिंग्स या फिर वो ज्यादा राइट अच्छा, आपको मराठी ऑडियो की चॉइस होना चाहिए। पर मैं तो हिंदी साइडर एडिटर हूँ, मैं तो अग्रवाल या मारवाड़ी एडिटर हूँ, मेरे को ऐसा लगता है कि मराठी नहीं डालना चाहिए, तो आपको क्या पसंद आएगा? मैं वो सोचूं कि मेरे को क्या पसंद आएगा वो सोचूं, क्लाइंट को क्या पसंद आएगा वो सोचना ज्यादा बेटर रहेगा। तो कितने एडिटर है जो इस तरीके से सोचते हैं कि मेरे क्लाइंट जो मेरा एंड क्लाइंट है उसको क्या चाहिए, उसके हिसाब से मैं कुछ बनाने की कोशिश करूं? ज्यादातर लोग एडिटर यही करते हैं कि मेरे को ऐसा पसंद है इसलिए मैं ऐसा एडिट करूंगा। राइट ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने बताया कि मतलब वीडियो फुटेज देखकर सब कुछ आइडिया हो जाता है कि किस तरीके से माहौल है, किस टाइप का लिविंग स्टैंडर्ड है, किस टाइप में एक चॉइस हो सकता है। ये बहुत अच्छा ट्रिक है सर, बहुत बढ़िया। कई लोग यहाँ पर जब डिस्कशन करते हैं तो ये बताते हैं कि सर मैं इसके अंदर में फंक्शंस देखूंगा, तो ऑलरेडी फंक्शन ऑलमोस्ट सारे कम्युनिटी के 80% फंक्शन सेम होते हैं, 20% वेरिएशन में रहते हैं, तो आप नया कुछ फंक्शन नहीं देख सकते नया। आप उसके अंदर में लोग, घर के लोग, वो तो देखना ही देखना है आपको, हर फंक्शन में देखना है, तो आपके वीडियो को अलग तरीके से देखना चालू करो आप, ये मेरा बोलने का मतलब है। दूसरा होता है कि आप इमोशंस, अब इमोशंस मतलब कौन से इमोशन? दो तरीके के इमोशंस होते हैं वेडिंग के अंदर में, एक इमोशन जो हम लोग फेस से दिखाते हैं, लोगों के एक दूसरे को एक्सप्रेशंस दिखाते हैं, और दूसरा इमोशन होता है कि आप उस फंक्शन का इमोशंस दिखा रहे हो। मतलब क्या फंक्शन का इमोशन का मतलब क्या है, तो आप ये समझो कि अगर मैंने आपको भी एक क्लासरूम का फोटो दिखाया, कोई भी एक फोटो दिखाया जिसके अंदर में बेंच लगी हुई है, टेबल लगी हुई है और सामने ब्लैक बोर्ड है और एक भी आदमी नहीं है, कोई पढ़ा नहीं रहा, लेकिन वो फोटो खाली आपको दिखाया ब्लैंक, तो आप उस फोटो को देख के क्या जज करोगे कि ये किस चीज का फोटो है? आप जज करोगे कि ये क्लासरूम का फोटो है, क्यों? क्योंकि वहां पे बेंचेस लगे। अभी उसी जगह पे बगैर कैमरे का एंगल चेंज किए हम वहां पर वो बेंचेस हटा के वहां पर एक ड्रॉइंग रूम का सेटअप तैयार कर देते हैं, मतलब वहां सोफा लगा देंगे, एक डाइनिंग एक टेबल लगा देंगे, छोटा टी टेबल वगैरह, एक टीवी लगा देंगे, अब आपका जो सेटअप है उसी जगह पे है, लेकिन पूरा उसका इमोशन बदल गया, उस फोटो का इमोशन चेंज हो गया, क्योंकि पहले वो क्लासरूम शो कर रहा था, अभी वो ड्राइंग रूम शो कर रहा है, राइट? तो हर फंक्शन का एक इमोशन होता है। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि हल्दी का फंक्शन चालू होने वाला है, अभी हुआ नहीं है, होने वाला है, उसके पहले हल्दी का मंडप लगा हुआ है, हल्दी के लिए पूजा की तैयारी करके रखी हुई, हल्दी को सजा के रखा हुआ है, इस चीज को हम बोलेंगे कि यहाँ पर उसकी एक फोटो आपको अगर मैंने दिखा दी या उसका एक वीडियो क्लिप आपको दिखा दिया, तो आप क्या बोलेंगे उसका वो क्या है, यहाँ पर क्या फंक्शन होने वाला है? अभी हल्दी होने वाली है, ये आपको समझ में आ जाएगा किससे, वो खाली एक इमेज को देख के। अब वो इमेज क्या शो कर रही है कि हल्दी का फंक्शन चालू होने वाला है, वो उस इमोशन को यहाँ पर शो कर रही है। समझ में आया सर मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? अगर नहीं तो आप मराठी में एक बार एक्सप्लेन कर सकते हैं बाकी लोगों को। नहीं बहुत बहुत प्रॉपर परफेक्ट बताया सर आपने, आप कंटिन्यू कीजिए। हाँ नहीं, कई लोगों को हिंदी में शायद समझने में तकलीफ जा रही हो, तो आप मराठी में अगर उसको बताना चाहे कभी कोई ऐसा पॉइंट जो ठीक नहीं लग रहा हो तो आप उसको फिर से एक्सप्लेन कर सकते हैं। जरूर राइट सर। तो ये हो गया यहाँ पर एक और इमोशन। ऐसे कई इमोशंस होते हैं जो कि आपको आपके फंक्शन चालू होने के पहले प्रेजेंट कर देते हैं कि यहाँ पर ये फंक्शन चालू होने वाला है। आप उन इमोशंस को वॉच करते हैं या नहीं करते हैं? अगर आप एडिटर हैं तो उन इमोशंस को भी आपको वॉच करना होगा, उसको समझना होगा चालू करने से पहले। उसके बाद में इमोशंस हो गए आपके, उसके बाद में आता है कि एक जिसके यहाँ की शादी है, जैसे मेरे यहाँ की शादी है या आपके घर की एक शादी है, और आपके घर की शादी में बहुत सारे फंक्शंस हैं, अलग अलग बहुत सारे फंक्शन हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हो, कोई एक फंक्शन को ज्यादा हाईलाइट करते हो, उसके अंदर ज्यादा खर्चा करते हो, उसके अंदर ज्यादा आप ध्यान देते हो। जैसे कि मैं सिंपल सी बात करूं, आज की डेट में बहुत ज्यादा चल रहा है दूल्हा दुल्हन की एंट्री, ठीक है, हमने पहले भी बात की इसके ऊपर, दूल्हा दुल्हन की एंट्री हो सकता है सिंपल सा, वो दोनों चल के आ गए और आके बैठ गए, कोई उसके अंदर खास बात नहीं है, तो आपके लिए एडिट के अंदर भी उसमें कोई खास बात नहीं है। लेकिन अगर उस एंट्री को, अब वो एंट्री कितनी देर की होती है, मुश्किल से 3 मिनट में या 4 मिनट में दूल्हा या दुल्हन दोनों जन गेट से लेके मंडप तक आके बैठ जाते हैं,
लेकिन वो 3 से 4 मिनट के लिए लाख रुपए खर्चा कर दिया है किसी ने, 1 लाख 2 लाख रुपए खर्चा कर दिया, बहुत ज्यादा उस पर ध्यान दिया हुआ है और उस पर वो कोल्ड पायरो लगाए हैं, लड़की को डोली में उठा के लेके आया, 10-15 लोग डांस करते हुए आ रहे हैं, तो आप समझिए कि वो इतना सा जो पार्ट है जो कि एक एंट्री है यहाँ से लेके वहां आने तक की, उसके ऊपर में आपने आपकी वेडिंग में इतना ज्यादा ध्यान देके उस फंक्शन को ऑर्गेनाइज किया है, उसको समझ के उसको प्लान किया हुआ है, और उस फंक्शन को किसी तरीके से आप कोई भी वीडियो में अगर नहीं दिखा रहे हो तो क्या आपके लिए वो जस्टिफाइड रहेगा? आप नहीं बोलोगे कि यार मैंने इतनी एंट्री के ऊपर में मेहनत किया, उसको आपने नहीं दिखाया, चाहे वो छोटा सा वीडियो 1 मिनट का हो, चाहे 4 मिनट का हो, चाहे वो 15 मिनट का हो या 2 घंटे का हो, आपको हर वीडियो के अंदर वो पार्ट को थोड़ा सा पार्ट तो भी दिखाना पड़ेगा। तो आपको ऐसे मोमेंट्स को समझना है। अलग अलग कम्युनिटी में ऐसे कई ऐसे फंक्शंस होते हैं जिसको ज्यादा हाईलाइट किया जाता है, जैसे दूल्हा दुल्हन की एंट्री की बात किया, अब हम मारवाड़ियों में बात करें तो एक मायरे का फंक्शन होता है, उसमें कई तरीके से अलग अलग प्रेजेंटेशन होता है, आजकल मेहंदी, मेहंदी को भी आजकल लोग बहुत अलग अलग तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये क्या है, नॉर्मल फंक्शंस की रिक्वायरमेंट में इतनी सारी उसकी तैयारी की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन हर आदमी अपने शौक के हिसाब से इन चीजों को अलग तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है, और उस प्रेजेंटेशन को अगर आप आपके वीडियो में कट कर दोगे तो उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होगी कस्टमर की। सिंपल है सर, समझ में आ रहा है? हेलो, यस सर, यस सर, प्लीज प्लीज प्लीज। तो ये आपको उसके अंदर में वॉच करना होगा आपकी वेडिंग फुटेज के अंदर। अब देखो, नॉर्मल हल्दी है या मैं बोलूंगा शादी है या वेडिंग फेरे हो रहे हैं, ये सब चीजें सारे सारे वीडियो में रहता है, लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूँ ये भी आपको सारे वीडियो में मिलेगा, पर इन चीजों को अगर वॉच करोगे तो इसका फायदा क्या होने वाला है? इसका फायदा ये होने वाला है आपको कि एक तो ऑडियो सिलेक्शन में मदद होगी। आप जब इतने बारीक तरीके से आपका वीडियो देखेंगे तो आपको ऑडियो किस तरीके का लेना है उसके बारे में आइडिया खुद ब खुद आपके दिमाग में आएगा और आप उसको सिलेक्ट कर पाएंगे। दूसरा, आपको इफेक्ट्स किस टाइप के यूज करना है पूरे वेडिंग में वो भी समझ में आएगा। हो सकता है आपको ज्यादा पावरफुल इफेक्ट चाहिए होंगे जो ज्यादा उड़ते हुए दिखाई दे रहे ऐसे होंगे, पर हो सकता है कि आपकी ये वीडियो देखने के बाद जो चॉइस है वो बदल जाए, आपको उसमें सोबर इफेक्ट का यूज करना हो, या हो सकता है कि विदाउट इफेक्ट भी हम एडिट करते हैं, कई बार ऐसा कुछ फुटेज आपको मिल जाए कि हमको एडिट करने में इफेक्ट का यूज ही ना करना पड़े। तो ये कब होगा? जब आप पूरे वीडियो फुटेज को अच्छे से देख लेंगे। उसके बाद में बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि आप कई बार क्लोजअप को देखने में छोड़ देते हैं। क्लोजअप क्या होता है? तो दूल्हा दुल्हन के हम लोग जो पर्सनल उनके जो भी एक्सप्रेशन है, फीलिंग्स है, उनकी जो केमिस्ट्री है उसको हम लोग कैप्चर करते हैं, राइट। अब आज की डेट में वीडियो और सिनेमेटोग्राफी के जमाने में वो जमाना चला गया कि कपल पोजेस एक तैयार कर रहे हैं, एक दूसरे के गले में हाथ डालो, फोटो खींच रहा है वो फोटोग्राफर और उसके साथ वीडियो वाला वीडियो ले रहा है। अब वो समय चला गया, ठीक है। अब वीडियो के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे एक्सप्रेशन आपको उठाने पड़ेंगे, जैसे अभी आपने सर ने वॉच किया कि आंखों की जगह पे आंखों का एक उठाना वहां पर दिखाया गया है। तो आप सभी लोगों को मैं बता देता हूं कि आंखों की पलके जो होती है वो आप जब एक रियल टाइम में वीडियो को शूट करते हो, रियल टाइम वीडियो मतलब स्लो मोशन नहीं होता है जब, तब वो कितनी देर की प्रोसेस होती है? आंखों की पलके सिर्फ उठाना है, बंद करके चालू भी नहीं करना है, सिर्फ ऊपर करना है, उसको टाइमिंग में अगर कैलकुलेट करें तो कितनी देर का होगा वो प्रोसेस रियल टाइम में? 1 सेकंड। 1 सेकंड बहुत बड़ा टाइम है, 1 सेकंड में तो आप 10 बार कर सकते हो। 1 सेकंड के अंदर टोटल 25 फ्रेम्स होती है, हम 1 सेकंड के 25 टुकड़े कर सकते हैं, FPS आप लोगों को पता होगा, फ्रेम पर सेकंड। तो पलके को ज्यादा से ज्यादा 3 फ्रेम लगती है, राइट। अब 1 सेकंड का 3 फ्रेम अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट 10 गुना कम टाइम, 1 सेकंड से 10 टाइम्स कम लग रहा है हमको टाइम, ठीक है। अब आप जो वीडियो क्लिप देख रहे हो तो क्या आप रियल टाइम में इस चीज को जज कर सकते हो क्या कि उसने आंखों की पलके उठाई है और उसको मेरे को उठाना है? कितना ध्यान से आपको वो क्लिप को देखना होगा ये आप समझिए कि आंखों की पलके उठाना, मुझे उतना सा क्लिप उठाना है, तो उसके लिए आपको रियल टाइम में तो पता भी नहीं चलेगा ना कब वो पलक उठ गई, ठीक है। मैं एक बार आता हूँ टाइमलाइन पे और आपको ये चीजें दिखाता हूँ तो ज्यादा आपको समझ में आएगा और इस चीज को हम ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे, ठीक है। मैंने कुछ तैयारी नहीं की है, मैं कुछ फुटेज लेके आपको टाइमलाइन पे बता देता हूँ इस चीज तरीके से। जब तक सर कोई और क्वेश्चन आया हो तो एक आधा क्वेश्चन समझते हैं, मैं टाइमलाइन को ऑन करता हूँ।
हेलो हेलो, साउंड आ रहा है मेरा? हेलो हेलो सर, आवाज आ रही है क्या? सचिन सर? यस सर, ठीक है, सचिन सर शायद यहाँ से लेफ्ट हो गए हैं। सर उनके पास थोड़ा लाइट का इशू हो गया है, इस अच्छा वजह से अच्छा वो लेफ्ट हुए, उनका फोन आया था। ठीक है, कोई इशू नहीं है। आप कंटिन्यू करें सर, ठीक है, और मैं यहाँ मैं पर आपको दिखाता आज। हूँ। देखो यहाँ पर ये लड़की ने, आपको दिखाई दे रहा है, स्क्रीन दिखाई दे रहा है सर, नीलेश सर? हाँ, हाँ दिखाई ठीक दे रहा है सर। है ठीक है, कोई इशू नहीं। मैं स्क्रीन थोड़ी सी बड़ी कर देता हूँ। यहाँ पर ये वीडियो को हम प्ले करते हैं और ये लड़की ने आंखों की पलके झपकाई है, उसको हम नॉर्मल वे में देखते हैं। अभी देखो ये लड़कों की पलके झपकाना, ये बहुत कोई खास मोमेंट नहीं है, दिख रहा है यहाँ पर? कोई खास मोमेंट नहीं है यहाँ पर, जस्ट उसने एक नॉर्मल वे में अपनी पलके झपकाई है। ठीक है, अब इस क्लिप को मुझे यहाँ से सिलेक्ट करना है, कितनी, यहाँ से देखो ये नीचे किया इन्होंने क्लिप और मैं यहाँ से ऊपर करते हुए ले रहा हूं, तो ये यहां से लेके इतना क्लिप सर दिखाई दे रहा है या कुछ प्रॉब्लम आ रही है? क्योंकि मुझे यहाँ मैसेज आ रहा है। नहीं, सर हाँ ठीक है, दिखाई दे रहा है और आवाज भी अच्छी तरह से आ रही है। अब ये क्लिप देखिए आप कितनी देर की है, ये 1 सेकेंड है और ये फ्रेम है, तो ये टोटल 4 फ्रेम का पार्ट है। अब इस 4 फ्रेम को हम जब प्रेजेंट करेंगे तो यहां पर हम कर देंगे इसको 20% स्लो मोशन कर देते हैं। अब आप इस क्लिप का फीलिंग्स देखिए, सिर्फ आंखें उठाना, दिख रहा है? मैं पहले से स्टार्ट करता हूं। अब इस चीज को हम जब स्लो मोशन कर रहे हैं तभी उसको समझ पा रहे हैं, अदरवाइज ये नॉर्मल वे में तो हमको कुछ भी समझ नहीं आएगा। देखो मेरे को जो समझाना है आपको वो ये समझाना है कि जब हम लोग यहाँ पर ये क्लिप को देखते हैं, कोई भी एक क्लिप को यहाँ से यहाँ तक वॉच करते हैं, तो इस पूरी क्लिप में ऐसा कौन सा पार्ट है जो आपको यहाँ से पिक करना है, मतलब आपको आपके वीडियो एडिट के लिए यूज करना है। कई बार क्या होता है कि हमारे पास बहुत सारी क्लिप होती है और हम लोग क्या ऐसे नॉर्मल देखते हुए चले जाते हैं, पर इसको देखते वक्त में मुझे देखो, अब यहाँ पर आपको ये लड़की का आंखें ओपन करने का एक वीडियो मिल रहा है, कितना सुंदर वीडियो है यहाँ से यहाँ तक का, और ये कितनी देर का है वो देखिए आप। ये वीडियो है टोटल हमको जो चाहिए वो है 6 फ्रेम का, जबकि इसके अंदर शूट करते वक्त देखो यहां से स्टार्ट होके यहां तक पूरा ये वीडियो लिया हुआ है अप्रोक्सीमेट 4-5 सेकेंड का, पर हमने एडिट के लिए कितना सिलेक्ट किया हुआ है, एडिट के लिए कितना सिलेक्ट किया हमने, 4 फ्रेम का सिलेक्शन किया है। देखिए अब इसको और ज्यादा स्लो मोशन भी कर सकते हैं हम लोग, सुपर स्लो मोशन पे जाते हैं हम लोग, इसको 10% कर देते हैं। अब देखिए तो बहुत छोटा सा पार्ट है, मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूं कि जब आप फुटेज देखते हैं, अभी ये हमारा टॉपिक नहीं है कि हम एडिट कैसे कर रहे हैं, हमारा टॉपिक है अभी यहाँ पर कि हम लोग एडिट करते वक्त फुटेज को कैसे देखते हैं। तो देखने के लिए मैंने बताया कि आपको आपकी आंखें आपका पलके झपकाने से भी कम समय तक का जो भी वहां पर एक्शन हो रहा है उसको भी ध्यान से देखना होगा, ठीक है, तब जाके आप उस फुटेज को प्रॉपर सिलेक्ट कर पाएंगे। तो जैसा सचिन सर ने पूछा है कि क्या प्रोसीजर है आपका एडिट करने का, तो एडिट करने के लिए सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट प्रोसीजर है कि आप आपकी पूरी वीडियो क्लिप को बहुत बारीक तरीके से देखें और उसको पूरी तरह से समझ ले, और उसके बाद उसको लेके एक कॉन्सेप्ट डिजाइन करें और फिर उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आप ऑडियो सेलेक्ट करें। जैसे कि अभी ये टाइमलाइन पे वीडियो है, इसके अंदर अगर मुझे दिख रहा है कि लड़की के काफी सारे मूवमेंट इसके अंदर अच्छे अच्छे दिखाई दे रहे हैं, और मेरे को थीम रखना है कि मैं लड़की की क्लोजअप के साथ में हमारा वीडियो स्टार्ट करूं, तो मैं गाना किस तरीके का चॉइस करूंगा। देखो गाने हमारे पास बहुत सारे अलग अलग मूड के होते हैं, ठीक है, अभी मूड जी हमको पहले डिसाइड करना है, बाद में हम उस ऑडियो को सिलेक्ट करेंगे। अगर मैं यहाँ से गूगल में चला जाऊं, मैं गूगल भी यहाँ से ओपन करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर चले जाते हैं हम यूट्यूब में ही, ज्यादा कहीं नहीं, यूट्यूब में जाते हैं और यहाँ पर मुझे ऑडियो ढूंढना है, तो मैं यहाँ पर क्या ढूंढूंगा, अभी मेरे पास फुटेज है, मैंने देखा हुआ है मेरी टाइमलाइन पे लड़की की फुटेज है और लड़की के बहुत अच्छे एक्सप्रेशन है, अभी मुझको मिल गया कि वो एक्सप्रेशन वाली फुटेज है। अब मैं यहाँ पर गाना क्या सर्च करूं, बहुत सारे एडिटर होंगे यहाँ पर, क्या सर्च करेंगे, तो यहाँ पे रोमांटिक सॉन्ग डाल देंगे,
है ना। अभी अगर मैं यहाँ पर डाल दूं कि जैसे अभी सर ने बताया कि आंखों को रिलेटेड है, तो मैं यहाँ पे आंखें जो है इसको हाईलाइट करता हूं, आंखें सॉन्ग्स या सॉन्ग रिलेटेड टू आईज, अब यहाँ पर देखो आप आंखों से रिलेटेड आपको बहुत सारे गाने मिलेंगे जो कि कुछ नए होंगे कुछ पुराने होंगे, ठीक है। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूं आपको कि ये जो गाना आया ऐसा कि ऐसा आप डाउनलोड करो और इस पर यूज करो, अब मैं इसके आगे की प्रोसीजर बताने वाला हूँ। अभी जैसे यहाँ पर एक गाना आ गया, ये गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, मेरे को इस गाने पे एडिट करना है, मैंने ऐसा डिसीजन लिया, तो मैं ये गाना डाउनलोड नहीं करूंगा। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे वापस यूट्यूब में जाऊंगा, ठीक है, और यहां पर जाने के बाद हम लोग यहां पर गाना डालेंगे गुलाबी आंखें, जो तेरी देखी, ठीक है। पहले हम लोग उसका मेन वर्ड डाल देंगे देखी, और उसके आगे लगा देंगे अनप्लग्ड, क्या लगाएंगे अनप्लग्ड। अनप्लग्ड का मतलब ये होता है कि वो गाना जो है किसी म्यूजिक कंपनी ने वापस उसको रिफॉर्म किया हो, दोबारा बनाया हो अपने अंदाज में अपने तरीके से, ठीक है। अब ऐसा क्यों करेंगे हम लोग कि ओरिजिनल गाना जो है उसके ऊपर में वीडियो सबने देखा हुआ है, ओरिजिनल म्यूजिक सबने समझा हुआ है, उनको कभी भी वो नयापन नहीं लगेगा, ठीक है। तो नयापन लगने के लिए उस म्यूजिक को नए तरीके से आपको प्रेजेंट करना है। अब यहाँ पर देखो अगर मैं जाता हूँ इस गाने पे, ये जो भी होगा यहाँ पर एक्स वाई जेड पर्सन, और इस गाने को मैं यहाँ ओपन करता हूँ, ठीक है, और शराबी ये दिल हो गया। अब ओरिजिनल गाना और इसमें कितना डिफरेंस है, अब मैं देखो ओरिजिनल गाना भी एक बार प्ले करता हूँ, अब आप देखो ये ओरिजिनल ऑडियो था और ये गाना एक हमने यहाँ पर सिलेक्ट किया, ये कुछ अलग तरीके से था। संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभालना मुश्किल। अच्छा, अब ये तो ऑडियो मिला हमको एक मेल वॉइस में मिल गया, हमको चाहिए यही अगर फीमेल वॉइस में, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, गुलाबी आंखें जो तेरी अनप्लग फीमेल। तो आप देखिए इसके अंदर में आपको फीमेल वर्जन मिलता है क्या, संभालो इसका फीमेल वर्जन भी, और एक नहीं बहुत सारे वर्जन है, ठीक है। तो आप समझिए कि अगर आपको एक ऑडियो समझना है तो आपकी पहले पूरी वीडियो को समझ के उसमें से कुछ एक टॉपिक आपको एक सेंस आपको उसमें से निकालना पड़ेगा आपके अंदर, और उस एक इमोशन उस सेंस को उस एक केमिस्ट्री को आपको यहाँ पर प्रेजेंट करने के लिए उस रिलेटेड वर्ड से रिलेटेड गाना ढूंढना पड़ेगा, और फिर उसका ओरिजिनल गाने के रीमेक्स उसको ढूंढना है, और उसके बाद आपको फिर उसके अंदर में मेल और फीमेल क्या लेना है वो डिसीजन लेना है। तो कितनी सारी प्रोसीजर रहेगी तब जाके एक ऑडियो आप अच्छा सिलेक्ट कर पाएंगे। तो सचिन सर मैं उम्मीद करता हूँ कि ये ऑडियो सिलेक्शन के बारे में काफी कुछ आपको समझ में तो आया होगा, सभी हमारे जो भी व्यूअर्स हैं उनको। यस सर, और बहुत बहुत अच्छे से समझ में आया, उसका महत्व भी समझा कि किस तरीके से हमें उसको जाना है। आपने जिस तरीके से फुटेज के बारे में बात किया कि किस तरीके से फुटेज देखने के बाद आइडियाज मिलती है, हाँ, तो वो भी बहुत अच्छा क्लियर हो गया। आई थिंक आप जो प्री वेडिंग के बारे में कुछ बताने वाले थे उस पर, हाँ, भी जा सकते हैं। उसके ऊपर जाना चाहता हूँ, इसलिए मैंने पूछा कि एक बार आपको इस टॉपिक को हम लोग और आगे बढ़ते हैं या फिर इस टॉपिक को और आगे लेके जाना है। चलिए, तो अभी हमारी बारी है कि हम लोग एक प्री वेडिंग को थोड़ा सा देखते हैं, और वो प्री वेडिंग बहुत खास है क्योंकि वो प्री वेडिंग सचिन सर का है, सचिन सर का किया हुआ एक काम है जो मुझे मौका मिला था फर्स्ट टाइम
कि मैं सचिन सर के लिए कोई एडिट करूं, और वो वीडियो हमने एडिट किया, लेकिन जब आप वो वीडियो देखेंगे तो ना उसके अंदर में सचिन सर आपको बहुत अच्छे से दिखने वाले हैं, ना मैं दिखने वाला हूँ, ना सचिन सर के काम का जो लेवल है वो दिखने वाला है, ना मेरे काम का वो लेवल आपको दिखेगा, लेकिन वो वीडियो फिर भी हम लोगों के लिए बहुत खास है। मैं आपको और सचिन सर आपको बताएंगे कि वो वीडियो खास क्यों है, तो पहले देखते हैं वीडियो। मैं ही थोड़ा बात करता हूँ इस पर, क्योंकि वो जरूरी रहेगा। सिर्फ मैं मेरा स्क्रीन नहीं ऑन कर सकता, मेरे पास पूरा पावर डाउन है, और अच्छा। मैंने मेरा मैकबुक कनेक्ट किया अभी मोबाइल के इंटरनेट से, राइट। लेकिन ये पूरे पूरे जितने भी शॉट्स है मेरे अभी सामने है, और बहुत मुश्किल वाला ये काम था आज, इसलिए हम लोग बता रहे हैं कि कई लोग, कई फोटोग्राफर्स, कई हमारी टीम ऐसे सिचुएशन से जाती है और बहुत दिक्कतें होती है। तो मैं भी कुछ ऐसे डिफिकल्ट कंडीशन से गुजरा था जब ये शूट किया गया,
क्योंकि उस वक्त मैं खुद बीमार हुआ था और मैं इस शूट के लिए जा ही नहीं पाया, जो कि मेरा बॉन्डिंग था कपल के साथ और मेरा टीम को जाना हुआ। जैसे आई थिंक से मुझे जितना याद है कि मैं पहला ही शूट था मेरा कि जहाँ पर मैं खुद नहीं था शूट पर और सिर्फ टीम ने जाके शूट किया था। तो देखिए प्री वेडिंग शूट में हम लोगों ने परसों भी मैंने बताया था कि बॉन्डिंग बहुत जरूरी है फोटोग्राफर और कपल के साथ। तो ये बॉन्डिंग मेरा था क्योंकि उनका एंगेजमेंट शूट मैंने किया था और वहाँ पर जब हम लोग गए, मतलब ये मेरी टीम जब गई तो मैं नहीं था वहाँ पर, तो उनको बताया गया था कि बहुत बीमार हूँ मैं, आ नहीं सकता, लेकिन शूट उसी दिन करना जरूरी था। तो बाकी जितना भी टीम था उतना तुरंत उनके साथ शायद बॉन्डिंग नहीं हो पाया, या फिर उनकी भी कुछ वहाँ पे उन्होंने कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए कि गॉगल निकाला जाएगा या फिर ऐसा नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे, तो बहुत कुछ लिमिटेशंस टीम को आ गए थे। और जो विजन मेरे पास था कि किस तरीके से ये पूरा सॉन्ग बनेगा या किस तरीके से शूट होगा, वो मैंने सिर्फ नॉर्मली मेरे टीम को बता दिया, लेकिन वो प्रॉपर उसको विजुअल नहीं कर पा रहे थे कि एग्जैक्ट क्या करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि मैंने इसलिए कहा कि जो लीड करता है उसे वो सब प्लानिंग करके वो लीड करता है किस तरीके से शॉट लेने, क्या सॉन्ग रहेगा और कैसे, तो करके मेरे मुझे भी मतलब मैं कंप्लीट डाउन था, सोया हुआ था, फिर भी 4 बजे 4 बार फोन आए कि कोऑपरेट नहीं कर रहे, मजा नहीं आ रहा है। फिर मैं वो जो लड़की है उसको मैं सिस्टर ही मानता हूँ, तो उसको उसको मैं समझाता था कि तुझे ये सब करवा के लेना है, उनसे भी बात करना है जो लड़का था उनसे, राइट। सो ये इतना इम्पोर्टेंट मैं बता रहा हूँ अभी कि ऐसी सिचुएशन में जब फुटेज हमारे पास आया तो मैं फुटेज देख के पूरा डिप्रेशन में चला गया था कि यार ये तो बहुत मुश्किल है अभी इससे कुछ बनाना, सॉन्ग बनाना, और बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज मुझे लग रही थी कि भाई शायद रीशूट करना पड़ेगा, इससे शायद प्रॉपर वीडियो नहीं बन सकता है, सॉन्ग नहीं बन सकता है। और तब मेरे सामने, आज मैं फॉर्मेलिटी के लिए नहीं बात कर रहा हूँ, बहुत दिल से बात कर रहा हूँ उतने सच्चाई से, क्योंकि ये पूरा यूट्यूब पर भी लाइव चल रहा है, कि तब मेरे मन में आया कि नहीं अब इसके सोल्यूशन सिर्फ हमें समरेश सर ही दे सकते हैं, कि इतने डिफिकल्टीज में इतना प्रॉपर शॉट्स नहीं है, एक शॉट भी कंटिन्यूटी में नहीं था, मतलब बहुत छोटे छोटे शॉट्स थे और उसको लगाना, उसको एडिट करना बहुत मुश्किल लग रहा था। तब समरेश सर पुणे आ गए, पुणे में आके 3-4 दिन सेटअप स्टूडियो में लगाया, और जब मैंने समरेश सर का प्रोसेस देखा था कि समरेश सर ने कहा कि इनका गानों का चॉइस क्या है, तब हम लोगों ने सॉन्ग्स का चॉइस भी बताया, तब सर ने डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड कि सर ये गाने पे ये वीडियो अच्छा नहीं दिखेगा, कब, जब उन्होंने 3 से 4 बार तब तक फुटेज देखा था, मतलब उन्होंने पूरा फुटेज देखने के बाद तय किया कि सर ये गाने जो बताए आपने उस पे ये फुटेज या फुटेज नहीं जाएगा, आप गाना चेंज करते हम लोग। तब जाके मैंने उनको बोला सर शायद क्लाइंट नहीं सुनेंगे, वो उनको उनकी चॉइस नहीं है। सर बोले सर उनको जो चाहिए वो भी मैं बना दूंगा, लेकिन मैं मुझे जो लग रहा है कि जिसमें ये बहुत अच्छा जाएगा वो मैं बनाता हूँ। और सर रात भर वो वीडियो एडिट कर रहे थे और उसको कई बार मैंने सर का प्रोसेस देखा कि सर गाना सुनते थे आंखें बंद करके और फिर फुटेज देखते थे, फिर गाना सुनते थे, वो 1-2 रात तो उन्होंने फुटेज देखा गाने सुने, फुटेज देखा गाने सुने, और तब मुझे बोला कि ये जो अभी गाना दिखाया इस पर ये फुटेज बहुत अच्छा जाएगा। और तब मुझे डर गया था एक्चुअली, रात को 12-1 बजे की बात है कि सर ये नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा, बहुत स्लो गाना है और बहुत फॉरवर्डेड कपल है तो ये मजा नहीं आएगा। सर बोले सर बेफिक्र रहो, और सर ने रात भर, मतलब ऑलरेडी उन्होंने एडिट 2 दिन पहले करके रखा था अपने माइंड में, रात भर में उन्होंने सिर्फ टाइमलाइन पे शॉट्स लिए और वो लगा दिए, उस पर जो ट्रांजिशन यूज किए थे उसमें जो क्या क्या किया मुझे पता है, कितनी चॉपिंग की है सर ने, इतना सा शॉट था उसको सर ने बहुत बढ़िया शॉट में कन्वर्ट कर दिया, बहुत अच्छे अच्छे उन्होंने इफेक्ट्स यूज किए और उन्होंने सही तरीके से उस गाने को और उस फुटेज को न्याय दिया। जब मैंने आई थिंक सुबह 6 बजे वगैरह भेजा रहेगा, 6-6:30 बजे भेजा था और मैं इंतजार कर रहा था कि जो लड़की है वो उसका क्या रिस्पॉन्स आता है, और 7:30 बजे के तकरीबन आई थिंक रिस्पॉन्स आया कि दादा माला है खूब आवड़ लगाना, मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे बहुत पसंद आया, और ये लग ही नहीं रहा था कि हम दोनों है ऐसे, क्योंकि इतना तो मजा आया ही नहीं था। वो जब मेरी वो जो सिस्टर है वही बता रही थी मुझे कि इतना तो मजा जितना दिख रहा है हमें वीडियो में उतना तो हम लोगों ने भी नहीं किया है, वो तो मतलब करवा के लिया और फुटेज ही नहीं था उसमें। तो मैं मेरे नजरिए से भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। सिर्फ देखिए मैं खुद विवाह फोटोज के को लीड कर रहा था। हाँ यस सर। तो ये फुटेज जब मेरे पास टाइमलाइन पे आया और सर ने मेरे को एक नया गाना यहाँ पर चॉइस में दिया था, तो प्रॉब्लम कहाँ थी? प्रॉब्लम ये थी इसके अंदर में कि सबसे पहला कि इसके अंदर फुटेजेस थी नहीं, टोटल डेटा इनका 20 मिनट का,
पूरा प्री वेडिंग एडिट करना है, टोटल शूट इनका 20 मिनट का है और उसके अंदर भी कोई भी क्लोजअप शूट नहीं है, सब वाइट शॉट है। तो उसका रीजन जब बताया मेरे को सर ने कि कुछ तो भी वो लड़के को प्रॉब्लम थी, तो उसने दूर से शूट करने के लिए बोला था, ऐसा कुछ इनका प्रॉब्लम हुआ था, तो भी मैंने उसको बोला ठीक है अपन इसको एडिट करेंगे लेकिन गाना चेंज करके करेंगे। और गाना चेंज करने के बाद में उसके अंदर कई ऐसे शॉट है जिसको मैंने स्ट्रेच करके यूज किया है, कई बार डबल यूज किया है, तो वो गाना मेरे ख्याल से मेरे यूट्यूब चैनल पे या सर के यूट्यूब चैनल पे, दोनों पे मिलेगा अपने को। आप वहां पर जाके उसको वापस डिटेल में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हमने एक ही शॉट को दो दो तीन तीन बार यूज किया है, लेकिन वो पता नहीं चलने दिया कि उसको दो बार यूज किया है, क्योंकि कई बार उसको वाइड रखा है, कई बार क्लोज किया है, ठीक है। तो ऐसी कई डिफिकल्टीज आती है आपके सामने में जब आप एक वीडियो फुटेज एडिट करते हैं, तो कई बार कंटेंट बहुत अच्छा मिलता है कि आपको यार ऐसा लगने लगता है कि ये भी रख लू, वो भी रख लू, वो भी रख लू, वो भी रख लू, लेकिन आपके पास लिमिटेशन होता है कि इतनी देर का ही ऑडियो है। और कई बार ऐसा होता है कि आप जितनी फुटेज देख रहे हैं इसमें से कोई भी रखने लायक नहीं है, फिर भी एडिट करना है जी। तो अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग तरीके से काम करना होता है एक एडिटर को। लेकिन हमारे जो वेडिंग वीडियो एडिटिंग इंडस्ट्री है उसके अंदर में ज्यादातर एडिटर जो तैयार हो रहे हैं वो एक तो एडिटिंग नहीं करते, डबिंग ज्यादा कर लेंगे या कॉपी ज्यादा कर लेंगे। कॉपी करना भी एक, मैं बोलता हूँ कि नहीं करना चाहिए ऐसा नहीं है, मैं भी कहीं ना कहीं कॉपी करके ही सीखता हूँ, लेकिन कॉपी को एज इट इज कॉपी करना वो गलत है। कॉपी थोड़ी सी आप कहीं से करो, थोड़ी सी दूसरी जगह से करो, थोड़ी सी तीसरी जगह से करो, और तीनों को मिला के आप अपना क्रिएशन प्रेजेंट करो, उसी को आपकी क्रिएटिविटी बोली जाएगी, ठीक है। तो आपको ये समझना होगा कि जब भी कोई एडिट आपके पास में टाइमलाइन के ऊपर आती है तो उसको जब तक आप पूरी तरीके से समझ नहीं जाए तब तक के आप उस पर आगे मत जाओ। सर एक एक क्वेश्चन पूछना है मुझे सभी के अकॉर्डिंग, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है वो कि जब ये वीडियो आपने किया, ये वीडियो एडिट किया जो कि बहुत थोड़ा सा मुश्किल था, फुटेज उतना नहीं था, आपने कैसे सोचा कि भाई ये गाने पे मैं इसको बहुत अच्छे से कर सकता हूँ, जो कि गाना बहुत स्लो था, राइट? क्या सोच रही आपकी उसके पीछे, एक एडिटर की क्या सोच रहती है या फिर आपकी क्या रही और क्या होनी चाहिए? राइट सर, मैं इसके लिए आपको स्क्रीन वापस शेयर करता हूँ और आपका वीडियो फिर से प्ले कर, ऑडियो के बगैर ये वीडियो को प्ले करेंगे। हाँ हाँ चले, ठीक है। तो इसके अंदर जो खास बात थी वो क्या थी और उसके वजह से ये गाना मैंने सेलेक्ट किया वो मैं आपको बताने जाता हूँ। तो ये बात ये है इसके अंदर कि इस लड़की के जितने भी एक्सप्रेशंस आप देखेंगे इसके अंदर में वीडियो के अंदर, वो एक्सप्रेशंस आपको कोई एक प्रोफेशनल एक्टर जो रहते हैं उनके जैसे मिलेंगे आपको, कहीं पे भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि वो कोई एक्टर है या फिर कोई नई नवेली कोई अभी लड़की दुल्हन बनने वाली है, उसके जो भी एक्सप्रेशंस आपको मिल रहे हैं ना वो नेचुरल है। आप देखें okay. इस वीडियो के अंदर में उसके पूरे एक्सप्रेशंस हर जगह पे, जिस भी क्लिप में आप देखेंगे लड़की के एक्सप्रेशंस को मैंने ध्यान में रखा हुआ है। विदाउट ऑडियो इसको जरा देखेंगे हम लोग और समझेंगे हर एक मोमेंट उसका। और इसके अंदर में बहुत सी चीजें ऐसी है जो इस गाने के कई वर्डिंग्स के साथ रिलेट करती है। जैसे कि एक बहुत इस वीडियो के अंदर सबसे जो प्यारा मोमेंट मेरे को लगता है, जो मेरे लिए सबसे ऐसा लगता है कि यार ये सही में बहुत ज्यादा परफेक्ट मैच कर गया इस जगह पे, वो मोमेंट मैं आपको बता रहा हूं। इसके बाद की वर्डिंग है मजा क्या रहा जब क्या कुछ वर्डिंग है, उस वर्डिंग को समझना और वो लड़की के चेहरे पे जो एक्सप्रेशन है उसको समझना। वो एक्सप्रेशन इस तरीके के है जैसे कि कोई लड़की अपने मन में एक ख्याल कर रही है अपने होने वाले पति के बारे में, और उसको याद करके उस मोमेंट को याद करके खुद ही खुद अकेले में मुस्कुरा रही हो। आप उसको समझना कि वो गाने की वर्डिंग और उस लड़की के एक्सप्रेशन कितने परफेक्ट यहाँ पर मैच करते हैं। सुनिए आप फिर से,
मजा क्या रहा जब खुद कर दिया हो मोहब्बत का इजहार अपनी जुबा से, यानी कि मैंने मेरे मेरी जुबा से उस लड़की को इजहार उस आदमी को मैंने प्रपोज कर दिया है, और उस मोमेंट को याद करके मैं उसको मतलब उसको याद करके मैं वहां बैठा हूँ या बैठी हूँ, वो उसकी फीलिंग है। सचिन सर आपको ये समझ में आई होगी। सर ये वही वही मजा है, मैं वही समझ रहा हूँ। आज भी 2-3 साल होते हैं इस वीडियो को, और मुझे जैसे ये उस वेडिंग में प्ले किया गया था सर स्क्रीन पर, और तब उनके बहुत से रिलेटिव्स और जो मेन तो लड़की के जो पापा थे वो मुझे आके मिले थे सर, और उन्होंने कहा कि अरे ये हमारे जमाने का गाना है, आपने इतना खूबसूरती से, और तब एक अलग सेटिस्फेक्शन था कि मतलब देखिए कई बार प्री वेडिंग शूट सिर्फ कपल के लिए मजा ला देता है या उनको ही खुशियां देता है, लेकिन उनके फैमिली को अगर उससे खुशियां मिली तो वो एक बहुत बड़ा सेटिस्फेक्शन था। सेकंड थिंग, आप जिस तरीके से सोच रहे सर वो वर्डिंग्स को, वो गाने को समझ रहे, मैं आज तो वही बात इम्पोर्टेंट रखना चाहता हूँ कि कई बार मुझे ऐसा लगा कि एडिटिंग जो पार्ट जो है ना वो सिर्फ सॉफ्टवेयर तक रुक गया, ऐसा लग रहा है सॉफ्टवेयर में लॉक हो गया एडिटिंग, कि भाई सिर्फ सॉफ्टवेयर है कौन सा यूज कर रहे हैं तो ही एडिटिंग अच्छा होगा। तो मुझे आप जितना खूबसूरती से बता रही है तो मुझे तो इतना ही समझ में आया आज कि एडिटर के माइंड में क्या है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो कैसे समझ लेता है उन लाइंस को, कैसे समझता है वो, खुद क्या फील करता है, और उससे वो फुटेज दिखने लगेगा ऑटोमेटिकली। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सर बात, ब्रेक हो रहा है आपका। ओके ओके, ये बहुत इम्पोर्टेंट लग रहा है सर मुझे कि सिर्फ सॉफ्टवेयर को ना समझे, हाँ। तो हमने वो गाने को समझना है, लाइंस को समझना है, और एडिटिंग अपने माइंड में करना है, इतना मैं तो समझ गया। ठीक है सर, इसके साथ साथ एक और पॉइंट है जो मेरे को कई लोग पूछते हैं कि सर ऑडियो की सिलेक्शन कैसे करें इन टर्म्स ऑफ फैमिली। फैमिली में अलग अलग जनरेशन होती है, 3 अलग अलग जनरेशन का कॉम्बिनेशन होता है एक वेडिंग, ठीक है, उसके अंदर जिसकी शादी हो रही है वो भी होते हैं, जिस उनके फादर मदर जो होते हैं वो भी होते हैं, उनके फादर मदर भी हो सकते हैं या फिर उनके यहाँ घर के बच्चे भी हो सकते हैं। अब ये 3 जनरेशन को सेटिस्फाइड करना है आपको। राइट राइट राइट, आई थिंक रुक गया सर के वहां पे, रुक गया मेरे वहां पे, रुक गया नहीं सर के यहाँ पे रुक गया, ये स्क्रीन ही है सर की। ओके कोई दिक्कत नहीं, आई थिंक आज तो नेटवर्क के ज्यादा इशू लग रहे हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन था, मैं सर को पूछूंगा, ओंकार जी है सर, प्लीज एक्सप्लेन द ट्रांजिशंस। राइट, ट्रांजिशंस के बारे में भी सर के साथ बात करते हैं, और मेरी रिक्वेस्ट तो सभी को यही है जितने भी पार्टिसिपेंट आज है यहाँ पर कि हम लोग वीडियो एडिटिंग को थोड़ा अलग तरीके से समझ लेते हैं, इसलिए मैंने जो मेरे साथ जो इंसिडेंट हुआ वो शेयर किया। उसका रीजन सिर्फ ये था कि ऐसा इंसिडेंट कई हमारे आर्टिस्ट के साथ होता है, कई फोटोग्राफर्स के साथ होता है, जो चाहिए वो फुटेज उस तरीके से नहीं मिल पाता। जो लड़का था बेसिकली वो बहुत कॉन्शियस था, मतलब वो कैमरा कॉन्शियस था। तो कई नीलेश सर आप है वहां पे लाइन पर? हाँ सर, हूँ। तो हम दोनों यहाँ पे बात कर सकते हैं सर आने तक कि कई बार ऐसा आपने भी कभी ऐसा एक्सपीरियंस लिया है क्या कि शूट पे जाते हैं हम लोग और कोई दोनों में से एक कोई कॉन्शियस अगर होता है तो वीडियो अगर शूट करना है, फोटो में हम लोग कैसे कि एक एक वन शॉट लेते हैं लेकिन वीडियो में एक उसका सीक्वेंस होता है, कंटिन्यूटी होती है, बराबर राइट। तो उसको अगर सपोज 30 सेकंड तक अगर हमें ऑडियो और वीडियो, मतलब वीडियो चलचित्र होता है तो उसके अकॉर्डिंग पूरा शॉट कंटिन्यू होना चाहिए। तो आपको कभी ऐसी दिक्कत आई है क्या? सर आप मेरे से क्वेश्चन कर रहे हैं? अच्छा सर आ गए। ओके नहीं नहीं, हम आप आने तक यहाँ पे बात कर रहे थे कि नीलेश सर को मैं पूछ रहा था कि आपको कभी ऐसा इंसिडेंट से गए है क्या कि जहाँ पे यहाँ पे कैसे कि लड़का बहुत कॉन्शियस था, मतलब उसको जो लड़की है दीपाली उसको बहुत इंटरेस्ट था और लड़का कॉन्शियस था, तो ये कॉन्शियस होने के वजह से कई बार दूर से शूट करना होता है या फिर वो हमें जो चाहिए वैसे ही एक्ट नहीं करते, तो उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। आप कंटिन्यू कीजिए सर, ये एक क्वेश्चन था यहाँ पर ओंकार करके है, ओंकार जी सर प्लीज एक्सप्लेन द ट्रांजिशंस, तो वो ट्रांजिशंस के बारे में जानना चाहते। सेकंड में तुरंत क्वेश्चन लेता हूँ, वीडियो इफेक्ट के बारे में कोई पूछ रहा है, थर्ड है एडियोस में कलर ग्रेड कैसे करें, तो ये 3 क्वेश्चन अभी मैंने आपको पूछे है यहाँ पर, ट्रांजिशंस, वीडियो इफेक्ट और कलर ग्रेडिंग। राइट, मैं ले लेता हूँ। तो हम लोग ये क्वेश्चन का आंसर थोड़ा देर के बाद करेंगे, चलेगा सर? हाँ हाँ, थोड़ा बाद में करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आज हम लोग यहाँ से क्लास खत्म करने से पहले
टाइमलाइन पे आके एक वीडियो कोई भी क्लिप का थोड़ा सा कलर करेक्शन की एक टिप मैं दूंगा जो आपके लिए शायद आज बहुत बड़ा गिफ्ट रहेगा। मुझे ऐसा लगता है कि कलर करेक्शन में स्किन टोन मिलाने के लिए एक आपको गिफ्ट देने वाला हूँ कि कैसे आप स्किन टोन मिलाएंगे उसके बारे में, तो आप उस चीज के लिए बने रहे, मैं थोड़ी देर में बताऊंगा उस चीज पर। राइट, तो आज के सेशन पे हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं और मैं अपनी सीरीज पे आगे बढ़ता हूँ कि हम लोग कहीं ना कहीं एक वीडियो को देख रहे हैं और उसको समझ रहे हैं और कई बार हम लोग ऑडियो को रिलेटेड बात कर रहे हैं और ऑडियो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसके बारे में हमने लोगों ने काफी कुछ समझ लिया। तो मैं अभी आपके स्क्रीन पर आपको स्क्रीन दिखाई दे रहा है कि नहीं दिख रहा है? अभी नहीं दिख रहा, आप दिख रहे हैं। मैं एक बार स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। राइट, अभी हो गया, हो गया। तो मैं एक सिर्फ ऑडियो प्ले कर रहा हूँ, वीडियो प्ले नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? पहली बार जब मैं ऑडियो प्ले करूंगा आपको उसको सिर्फ सुनना है, मैं ज्यादा देर नहीं चलाऊंगा उस ऑडियो को, 30 सेकंड चलाऊंगा, बस उसको सुनना है, समझना है और उसके बाद उस ऑडियो के साथ में एक वीडियो प्ले करूंगा उसको भी समझना है और क्या इम्पैक्ट होगा, इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, इसको आज हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, ठीक है? तो एक ऑडियो है, एक मिनट, मैं पहले इसको ऑडियो को शेयर कर लेता हूँ क्योंकि मेरे को लगता है यहाँ ऑडियो शेयरिंग ऑन नहीं है। हाँ ठीक, एक चिड़ैया घोंसले को छोड़ उड़ उड़ जाए और ये सोचे काश ऐसा हो कदम मुड़ जाए। एक चिड़ैया घोंसले को छोड़ उड़ उड़ जाए और ये सोचे काश ऐसा हो कदम मुड़ जाए। तिनका तिनका कर बटोरा और बनाया घर, पर समय की बारिशों ने कर दिया बेघर, कर दिया बेघर, कर दिया बेघर। ये ऑडियो सर आपने सुना? जी सर, जी सर, यस सर। ये ऑडियो कहाँ यूज हो सकता है, किस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं, या ये ऑडियो सुनने के बाद में क्या फीलिंग्स आपकी क्रिएट हो रही है? नहीं, उसके वर्डिंग्स जो है उसमें बहुत इमोशंस है और वो जो वर्डिंग्स यूज कर रहे हैं, अब मैं विजुअल तो नहीं कर पाया कि उसको कहाँ पे यूज करे, लेकिन जो पावरफुल वर्ड्स है उसमें बहुत ज्यादा, जो कम्प्लीट मीनिंग वर्ड्स में मीनिंग है पूरा। राइट, तो विदाई 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 के बारे में भी लोग यहाँ पे कमेंट करके, विदाई में हो सकता है ये, बिल्कुल ये विदाई से रिलेटेड गाना है, लेकिन इसको प्रेजेंट कैसे करेंगे उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। अब मैं यहाँ पे आपको विदाई में ही इस गाने को यूज कर रहा हूँ मैं, लेकिन सिर्फ मैं गाना आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ ये मत समझना, आपको वहां पर अगले 20 सेकंड में आप लोग रोने वाले हो ये समझ के चलो सारे के सारे। राइट, मैं आपको उतना इमोशनल कर दूंगा अभी इस वीडियो से कि आपको अगर ये वीडियो क्लियर दिखाई दे विदाउट जर्क तो अगले 20 से 30 सेकंड के अंदर सबकी आंखें थोड़ी गीली हो जाएगी। जर्क हो ही रहा है एक्चुअली, शायद जूम का प्रॉब्लम है वो, कि जूम में जर्क हो रहा है या फिर बैंडविड्थ का इशू रहेगा ज्यादा आज। राइट, चलिए कोई बात नहीं सर, मेरा भी 2 बार अनस्टेबल हो गया वीडियो, तो एक बार हम लोग ये वीडियो को देखते हैं। काफी पुराना वीडियो है, मेरा शूट है, मेरा एडिट है, काफी पुराना, 15 साल, 2015 में किया हुआ है ये वेडिंग, 14 या 15 में, ठीक है? तो हम बात करते हैं इस गाने की और वीडियो को देखते हैं। घर को कदम मुड़ जाए, तिनका तिनका कर बटोरा और बनाया घर, पर समय की बारिशों ने कर दिया बेघर, कर दिया बेघर, कर
ओ मुसाफिर धीर धर आएगा सूरज दूर जितना जाएगा लौट फिर ना पाएगा काहे भागे पर कैसा है, क्या फीलिंग्स है, थोड़ा सा आप शेयर करें तो मजा आए। हाँ, फीलिंग्स को शेयर करना बहुत मुश्किल है, लेकिन वही तो खूबसूरती खूबसूरत प्रोफेशन है हमारा, फोटोग्राफर्स वीडियोग्राफर्स, और जो आप एडिटिंग में उसको इतना, और जो आपने एक्चुअल ऑडियो जो यूज किया बीच में, सो उसका इम्पैक्ट और ज्यादा छू गया दिल तक, और वो और इम्पैक्टफुल बन गया। सो गाने की वर्डिंग्स और आपका एक्चुअल वर्डिंग्स, तो उसका कॉम्बिनेशन बहुत खूबसूरती से आपने किया है। तो सर, आप जो भी एडिटर है उसके पास उतनी पावर होती है कि वो किसी की भी आंखें गिली कर सकता है और किसी के भी आंखों में एक हंसी लेकर आ सकता है। तो इसीलिए आपको ये समझना है कि हर एक की जो इमोशंस है उसको प्रॉपर प्रेजेंट करो। आपने सिर्फ गाना रख दिया तो वो मजा नहीं आएगा, क्योंकि मैंने आपको गाना पहले सुनाया, वही गाना वही वर्डिंग, लेकिन उसकी कोई मीनिंग आपको नहीं दिख रही थी, समझ नहीं आ रही थी। लेकिन जब मैंने उसको वीडियो के साथ कॉम्बाइन किया और साथ साथ में उसके अंदर ओरिजिनल ऑडियो को जब मिक्स किया, तब वो चीज में वो फीलिंग्स एक अननोन आदमी के अंदर भी आ गई। देखो, आप लोग अननोन हो उस लड़की के लिए, उस फैमिली के लिए जिसका वो वेडिंग वीडियो था, लेकिन फिर भी आपकी आंखें भर आई। जी, ये जी, कितनी पावरफुल वीडियो होगी ये वाली। और ये वीडियो क्लिप जब उसकी फैमिली साथ में बैठ के देखेंगे या देखते होंगे, चाहे वो कितनी भी पुरानी हो जाए, उनकी आंखें हमेशा नम हो जाएगी। बराबर, उतना पावरफुल आपके पास में स्किल है। आप वीडियो एडिटर हो तो आप उतने पावरफुल हो। ठीक है, एक फ्रेज है बहुत बड़ी कि किसको सुपर हीरो चाहिए अगर आप वीडियो एडिटर हो तो। राइट, तो वीडियो एडिटर इतना पावरफुल होता है कि आप वो किसी को भी रुला भी सकता है और उसको हंसा भी सकता है और किसी को भी एक सुपर हीरो बना के उड़ा भी सकता है। राइट, तो ये कुछ बात थी जो हमें समझना था वीडियो एडिटिंग के अंदर में, कि हम वीडियो एडिटिंग में बहुत ज्यादा इफेक्ट्स के पीछे भागते हैं, बहुत ज्यादा हम उसके अंदर में क्या करते हैं कि ऑडियो बीट मिला के बीट पे काम करने के पीछे भागते हैं। तो जरूर बीट पे काम करना एक ट्रेंड है, लेकिन जो ट्रेंड बचपन से हमने देखा है और आगे हमेशा चलने वाला है वो है आप इमोशंस को पकड़ के चले, उसके साथ में जनरेशन के हिसाब से नया जो भी चल रहा है उसको मिक्स करें। जैसे कि आज के ट्रेंड में अगर देखेंगे तो हम लोग, एक ट्रांजिशन चल रहा है जूम इन जूम आउट, जूम से आपकी स्क्रीन के ऊपर कोई दूसरा वीडियो आ रहा है और वापस उसके तरीके से चला जा रहा है, ऐसा जो इफेक्ट चल रहा है वो आज का ट्रेंड है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आज से 5 साल पहले नहीं था वो इफेक्ट, है ना, 5 साल पहले भी था, लेकिन अभी लोग ज्यादा उसको नोटिस कर रहे हैं। लेकिन वीडियो का मेन कंटेंट तो आज भी वही है, शादी, लड़का लड़की, उनके इमोशंस फीलिंग्स, उसके साथ आपको वो मैच करना है। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी जो हमको समझना था। अभी हम लोग एक बार वापस क्वेश्चन पे आते हैं और उसके बाद मैं एक वीडियो दिखाऊंगा जो मैंने पहले भी दिखाया हुआ है, और वो वीडियो है हमारे पुणे के है शायद नील चौहान जी, मैंने उनका वीडियो यूट्यूब पे देखा है, मैं उनको पर्सनली नहीं जानता, लेकिन उनका जो भी वीडियो उन्होंने अपलोड किया वो मेरे को बहुत ज्यादा छुआ है, और वो मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा एक एक ऑडियो के साथ में, उन्होंने जो एक एक क्लिप को वहां पर रखा है वो किस ऑडियो के पैरामीटर को ध्यान में रखते हुए मैच किया हुआ है। ठीक है, तो उसको भी हम लोग अभी देखने वाले, लेकिन उसके पहले अगर कोई और क्वेश्चन है तो उसको भी समझ लेते हैं। यहाँ पे ट्रांजिशन के अकॉर्डिंग कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ये एक क्वेश्चन, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर कि सर सॉन्ग्स के कॉपीराइट के बारे में बताइए, थोड़ा समझाइए। और एक क्वेश्चन है कि डीजे डीजे का इफेक्ट ब्लास्ट हो गया तो डीजे ब्लास्ट, ये समझाने में
सर डीजेचा ब्लास्ट झाला असेल तर काय करावे लागेल? डीजेचा ब्लास्ट डीजे का ब्लास्ट हो गया तो क्या करना चाहिए? अगर ये जिन्होंने भी क्वेश्चन किया है वो अपना माइक ऑन करके बात समझा सकते हैं तो उसको समझ लेते हैं सर। कादंबरी करके है, ठीक है, तब तक आप कॉपीराइट्स के बारे में और ये ट्रांजिशन कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं उसके बारे में थोड़ा नॉलेज दे सकते हैं। अभी कॉपीराइट का इशू ऐसा है देखो कि जो भी आदमी या जो भी कंपनी एक ऑडियो बनाती है वो उस ऑडियो बनाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करती है, तो वो राइट्स उसके होते हैं कि वो ऑडियो से अगर कोई आदमी कुछ कमा रहा है या उसको प्रोफेशनली यूज कर रहा है तो उसके ऊपर वो क्लेम कर सकता है, राइट। अब कॉपीराइट का इशू हमारे फोटोग्राफर्स को क्यों चाहिए, यूट्यूब पे अपलोड करने के लिए या और किसी चीज के लिए? हाँ जनरली तो राइट, अगर अगर हम लोग क्लाइंट क्लाइंट को डायरेक्ट अगर दे रहे हैं ये वीडियो तो वहां पे तो कॉपीराइट्स का कोई इश्यू नहीं है, लेकिन आप कई सोशल मीडिया पर या कई ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लोड अपलोड कर रहे हैं वहां पर तो डेफिनेटली कॉपीराइट्स वहां पे पूछते हैं, राइट। तो कॉपीराइट का इशू दो लोगों को आएगा, जो प्रोफेशनली वीडियो एडिटिंग करते हैं और जो प्रोफेशनल फोटोग्राफर है उनको, जिस क्लाइंट की वेडिंग है उसने अपने फेसबुक पेज पे यूट्यूब पे किया तो उसको कोई प्रोफेशनली वो चीज को यूज नहीं कर रहा है, वहां पर वो अगर अपलोड करता है और कॉपीराइट का इशू आता भी है वहां पर तो उसके ऊपर बैन नहीं होगा, ठीक है, ये चीज को समझ के रखना है आपको, उस पर बैन नहीं होगा। लेकिन आप बार बार यूज कर रहे हो और आपके ऊपर वो बार बार नोटिस आ रहा है तो आपको हो सकता है कि बैन कर दिया जाए यूट्यूब पे, राइट। तो इसके लिए आपको दो तीन चीजों को समझना है। एक तो जो भी हम ये इमोशनल वीडियो ऑडियो के साथ बना रहे हैं इसको जितना हो सके अनप्लग को यूज करें। अनप्लग का मतलब ये होता है कि अभी मैं नागपुर में हूँ, नागपुर में बहुत सारे सिंगर होंगे जो वीडियो बना रहे हैं अपने खुद के ऑडियो पे बना रहे, ठीक है, उन लोगों का जो कंपनी है वो भी लोकल है ज्यादातर, मैं बोलूंगा आपको वो भी कोई ऐसा कॉपीराइट क्लेम या कहीं रजिस्टर्ड या इस तरीके का नहीं है, पर गाना ऑडियो वो लोग भी काफी अच्छा बनाते हैं, तो इस तरीके का ऑडियो को आप सिलेक्ट करें ताकि आपको वो क्लेम का इशू ना आए। दूसरा आपको ये करना होगा कि जो कॉपीराइट क्लेम में नहीं आते ऐसे ऑडियो को उठाना है, जैसे कि टीजर का ऑडियो। तो देखो मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप शॉर्ट फिल्म वगैरह कॉपीराइट के लिए आएगी हमेशा, तो उसको अपलोड ज्यादा मत करो, आप ज्यादा करो टीजर वगैरह। और टीजर के लिए सबसे अच्छा है, आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है? यस सर, स्क्रीन दिख रहा है ना, ओके। यहाँ पर जब आप यूट्यूब में जाते हो आपके चैनल पे तो यहाँ पर यूट्यूब स्टूडियो होता है, इस यूट्यूब स्टूडियो में आप जाएंगे तो आपको यहाँ नीचे में ऑडियो लाइब्रेरी यहाँ पर मिलेगी, ऑडियो लाइब्रेरी, इसको ध्यान में रखिए। ये ऑडियो लाइब्रेरी YouTube ने खुद दिया हुआ है जिसके ऊपर कोई भी कॉपीराइट का क्लेम नहीं है, और ये पूरे आपको इंस्ट्रूमेंटल ऑडियो मिलेंगे, ठीक है, इसको यूज करो आप ज्यादातर आपका टीजर के लिए। इसके अंदर में अलग अलग कैटेगरी के साउंड इफेक्ट मिलेंगे, साउंड्स मिलेंगे आपको, जैसे कि आपने इलेक्ट्रॉनिक ऐसा वर्ड यहाँ पर डाल दिया तो देखो आपको इलेक्ट्रॉनिक साउंड इफेक्ट साउंड यहाँ पर मिलेगा, आप इसमें आप प्ले करके देख सकते हो। ये साउंड हमारे लिए एग्जैक्टली काम का नहीं है पर फिर भी, और इसको यहीं से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके का ऑडियो का आप यूज करो। कुछ आपको यूट्यूब पे चैनल मिलेंगे जो कि कॉपीराइट फ्री है, मैं आपको बता देता हूँ कुछ है साइट्स, वो साइट्स आपको देख के बताना पड़ेगा मुझे कि उस साइट पे जाकर आप कॉपीराइट फ्री वाले ऑडियो को डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो कॉपीराइट का तो जो इशू है वो आपको लाइसेंस लेके यूज करना है, मैं यही बोलूंगा, अगर आपको ऑडियो बॉलीवुड के यूज करना है तो, और नहीं तो दूसरा तरीका मैंने बताया आपको, बहुत सिंपल है, आप यहाँ पर आपके चैनल पे जाए यूट्यूब चैनल पे और यहाँ पर अनप्लग्ड ऑडियो को ज्यादातर सर्च करें, ठीक है, अनप्लग्ड ऑडियो ज्यादा सर्च करें और इसके अंदर जो भी ऑडियो मिल रहा है उसको देखें कि जो भी अनप्लग्ड लोग हैं उसके अंदर में कोई ऐसी कंपनी ब्रांडेड कंपनी के साथ में काम तो नहीं किया हुआ है, और ऐसे ऑडियो को ढूंढ के उसको ज्यादा यूज करने की कोशिश करें, ठीक है, ये मेरा सजेशन है, ज्यादा मैं आपको उसके बारे में नहीं बोलूंगा, राइट। उसके बाद क्या क्वेश्चन था सर नेक्स्ट? अब वो जो है एक्चुअली ट्रांजिशन डीजे, हाँ ट्रांजिशन कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं वो एक था। ट्रांजिशंस सर मैं बहुत ज्यादा फेवर में नहीं रहता हूँ हमेशा कि आप रेडीमेड चीजों पर आए, ठीक
है, मैं ज्यादातर फेवर करता हूँ कि आप आपका खुद का क्रिएशन करें। तो देखो मैं यहाँ पर ट्रांजिशन की बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर कोई भी वीडियो इफेक्ट आपको नहीं बताऊंगा, एक ट्रांजिशन यहाँ पर हम लोग बनाते हैं अभी। मैंने यहाँ पर रखी है, दो क्लिप है यहाँ पर अलग अलग, एक क्लिप ये और एक क्लिप, अब ये दोनों एक जैसी क्लिप है, मैं दूसरी ले लेता हूँ ताकि हम लोग को वेरिएशंस दिखाई दे। यहाँ पर दो अलग अलग क्लिप है, एक क्लोज में है एक वाइड में है, और इन दोनों क्लिप को बीच में मैं यहाँ पर एक डिजोल्व का इफेक्ट आता है जो कि एक दूसरे को मिक्स करता है, वो इफेक्ट लगा देता हूँ पहले। ये इफेक्ट सभी के पास होगा, ठीक है। अब इसके अंदर में क्या करेंगे हम लोग, जहां पर हमारा कट है, जहां पर जॉइंट है, इससे कुछ 6-7 फ्रेम हम पीछे जा रहे हैं, यहाँ पर इन मार्क लगा दे रहे हैं, और 6-7 फ्रेम आगे जा रहे हैं और यहाँ पर आउट मार्क लगा दे रहे हैं, ठीक है। इन और आउट लगाने के बाद इस क्लिप को हम लोग रेंडर कर लेंगे, इतनी सी क्लिप को हम क्या करेंगे, रेंडर करेंगे। ये हो गई रेंडर, ठीक है। रेंडर होने के बाद यहाँ एक क्लिप आ गई, अब ये नीचे की क्लिप हमने बंद भी की तो ये क्लिप दिखाई दे रही है, मतलब ये क्लिप हमारे पास अलग से आ गई इतनी। अब इसके अंदर में इफेक्ट पैनल में जाएंगे, जो भी ईडीएस यूजर है उनके लिए ये ज्यादा यूजफुल है, और वीडियो फिल्टर में जाएंगे हम लोग, और यहाँ पर एक ब्लेंड फिल्टर दिखाई देगा आपको, वीडियो फिल्टर में ब्लेंड फिल्टर, ठीक है। ये ब्लेंड फिल्टर हम लोग क्लिप पर अप्लाई करेंगे यहाँ पर, ठीक है। ब्लेंड फिल्टर को ओपन करेंगे यहाँ पर, और या एक काम करते हैं, ब्लेंड फिल्टर कई लोगों को नहीं पता है, ठीक है, हम लोग ब्लेंड फिल्टर को फिलहाल छोड़ देते हैं, जो लोगों को पता है उस पे जाते हैं। इसमें से ये पता है कि कलर करेक्शन में कलर बैलेंस का ऑप्शन है, जिससे कि ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट हम लोग चेंज कर सकते हैं। बहुत सिंपल सी चीज समझा रहा हूं मैं, यहाँ पर हम लोग कलर बैलेंस में है, ये फीचर सबको पता है कि हम लोग यहाँ से ब्राइटनेस बढ़ा सकते हैं और कॉन्ट्रास्ट बढ़ा सकते हैं, कम ज्यादा कर सकते हैं, बहुत सिंपल सी चीज है, इसको हम यहाँ पर एडजस्ट करते हैं। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर जहां सेंटर है इस सेंटर में हम यहाँ पर की फ्रेम लगा देते हैं, और इसकी स्टार्ट में हम लोग यहाँ पर एक की फ्रेम लगाएंगे और एंड में एक की फ्रेम लगाएंगे। हमने तीन जगह पे अलग अलग की फ्रेम लगा दिया है, और सेंटर में हमारा कर्सर लेके आ गए, और इसको हम यहाँ से फुल कर देते हैं ब्राइटनेस को। क्या कर रहे हैं हम लोग, ब्राइटनेस फुल कर रहे हैं सेंटर में। अब इसको जरा प्ले करके देखते हैं क्या दिखाई दे रहा है, ट्रांजिशन कैसे दिखाई दे रहा है। आपको एक ग्लो इफेक्ट दिखाई देगा जो यहां से ट्रांजिट करते हुए जा रहा है दूसरी क्लिप में। तो ये एक ट्रांजिशन मैंने खुद का खुद तैयार किया, और बहुत आसानी से तैयार किया, कोई भी इसमें टाइम नहीं लगा आपको कि इसको तैयार करने के लिए आधा घंटा चला गया, बहुत टाइम लग गया। अच्छा, आप इसको सेव भी करके रख सकते हो, आगे जाके आप इसको यूज कर सकते हो डबल, ठीक है। अब यहां से मैं कलर बैलेंस हटा देता हूँ इसी क्लिप के ऊपर, जो पहले कर रहा था मैं वो बता देता हूँ। ब्लेंड फिल्टर का यूज करते हैं, यहाँ पे ब्लेंड फिल्टर में गया मैं, यहाँ पर एक फिल्टर यूज करता हूँ इनसाइड में। देखो बहुत से लोगों को शायद नहीं समझ में आया, क्योंकि ब्लेंड फिल्टर हर कोई यूज नहीं करता है, ठीक है। इसके लिए आप यूट्यूब पे मेरा एक अलग से वीडियो है, वो देख सकते हैं। यहाँ पर हम ले लेते हैं लूप स्लाइड, इसको प्ले करते हैं, और इसके अंदर में हम थोड़ा चेंजेस करते हैं। देखो ये ट्रांजिशन कैसा बना है, प्ले करते हैं नॉर्मल प्ले, मैं पूरा फुल स्क्रीन प्ले करता हूं। तो ऐसे कई ट्रांजिशंस हैं जो आप बहुत कम समय में खुद का क्रिएशंस खुद बना सकते हैं, राइट। तो मेरा तो सजेशन ये रहेगा कि रेडीमेड ट्रांजिशन पे जाने की बजाय आप आपके खुद के ट्रांजिशंस बनाओ, ज्यादा आपको वो बेनिफिशियल रहेगा। दूसरा, आपको अगर कुछ ट्रांजिशंस यूज करना है तो एक तो ट्रांजिशंस आते हैं न्यू ब्लू के, न्यू ब्लू आप लोग अगर जानते होंगे, कई लोगों के सिस्टम में होगा, अगर नहीं होगा तो आप न्यू ब्लू इंस्टॉल कर लीजिए, आपको न्यू ब्लू में काफी सारे ऐसे ट्रांजिशंस मिलेंगे जो कि आप क्रिएटिव तरीके से यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे ग्लो प्रो मैंने यहाँ पे यूज किया है, आपको दिखा देता हूँ एक दो चार ट्रांजिशंस, एक मिनट। ठीक
है, उसके बाद लाइट ब्लेंडर है, ये अलग काम करता है, इस तरीके के ट्रांजिशंस है, तो आप बहुत सारे ट्रांजिशंस को यूज कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा जो है पैकेज कि आप खुद का क्रिएट करें या फिर न्यूग्लू का ट्रांजिशंस है। उसके अलावा अभी आज की डेट में आपको मिलेंगे प्रोडैड, प्रोडैड के अंदर में काफी सारे सीमलेस ट्रांजिशंस आ गए हैं जो आप बहुत अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप करके सिर्फ यहाँ पर आप ट्रांजिशन का यूज कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है। तो मैं आपको ज्यादा ट्रांजिशंस के बारे में अभी इस वर्कशॉप में नहीं बताऊंगा, आप मुझे पर्सनली कॉल करें, मैं वहां पर आपको इसके साथ डिस्कशन करके बताऊंगा, ठीक है। तो अब चलते हैं हम लोग आगे के पार्ट पे। आगे मैंने आपको कहा था कि एक वीडियो को हम लोग देखेंगे और उसको डिस्कशन करेंगे, क्योंकि उसके अंदर भी बहुत बारीक तरीके से काम किया गया है, और मेरे को ये वीडियो दिखाने में ज्यादा इंटरेस्ट इसलिए कि ये वीडियो मैंने पहले दो वर्कशॉप में दिखाया और उसमें मुझे किसी एक ने कमेंट किया था कि एडिटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इस वीडियो में कुछ भी नहीं है, लेकिन हाँ सिनेमेटोग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारा इसके अंदर में सीखने के लिए है। तो मैं बोलूंगा डेफिनेटली कि इसके अंदर में सिनेमेटोग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारा सीखने के लिए है, लेकिन आपको उसके साथ साथ एडिटिंग में भी बहुत सारा सीखने के लिए है। तो पहले वीडियो देखते हैं। बहुत खूबसूरत वीडियो है और आपको इसके अंदर में खास बात जो लगेगी वो ये कि इसके अंदर में सिर्फ एक बार एक जगह पे डिजोल्व का यूज किया गया है, बाकी कहीं भी कोई भी इफेक्ट नहीं है, बिल्कुल कट टू कट इसको एडजस्ट किया हुआ है और कहीं भी आपको जर्क का फीलिंग नहीं आएगा कि कोई जर्क है इसके अंदर में, ठीक है। अब इसके अंदर एडिटर के लिए क्या काम है, कई लोग बोलते हैं यार इस वीडियो में तो कुछ है ही नहीं एडिटिंग के लिए। अब एडिटिंग का मतलब ये नहीं है कि आपने बहुत सारा इफेक्ट देख लिया, बहुत सारे इफेक्ट डाल दिए और बहुत सारी चीजें इसके अंदर ऐड कर दी, बहुत सिंपल सी चीज है ये। पहले तो आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये मिस्टर नील चव्हाण फोटोग्राफी जो है इनको आप लोग सब्सक्राइब करें, इनका बहुत खूबसूरत सा काम है और मैं इनको फॉलो कर रहा हूँ। मैं पर्सनली तो इनको नहीं जानता हूँ, मैं कभी मिला नहीं, लेकिन इनके वीडियो देख के काफी इंप्रेस हुआ मैं, इसलिए मैंने इनका वीडियो चॉइस किया कि आप लोगों तक पहुंचाऊं और आप लोग सब इनको फॉलो करें। और इसके अंदर में देखो आप जो सिनेमेटोग्राफी आपने देखी है वो इतनी स्ट्रॉन्ग और इतनी साफ है कि उनको पता है मुझे क्या देना है, पहले उनके माइंड में था कि इस तरीके का चाहिए। दूसरा आपने अगर ऑब्जर्व किए होंगे तो इसके अंदर मैक्सिमम आपको वाइड फ्रेम्स मिलेगी, एकदम क्लोज जो फ्रेम है वो कम है। देखो अगर दिखाना भी है तो कॉन्सेप्चुअल है कि उसको क्या दिखाना है, और ठीक है बाकी वाइड फ्रेम की ब्यूटी इसके अंदर बहुत ज्यादा यूज की हुई है, आप इस चीज को ध्यान से देखते चलिए। उसके बाद जो मुझे इसके अंदर में मेन पॉइंट आपको बताना है वो ये है कि इसके अंदर ऑडियो, दो अलग अलग ऑडियो को बहुत खूबसूरत तरीके से मिक्स किया हुआ है और हर ऑडियो की
जो छोटी छोटी बारीक लहर है, मैं लहर बोल रहा हूँ उस चीज को, उसको समझ के इसको बनाया हुआ है। आपको जल्दी ध्यान में आए ऐसे पॉइंट पे मैं लेके जा रहा हूँ, डायरेक्टली वहां पर दिखाऊंगा आपको। देखो ये जो शॉट है, जहां पर वो जो अग्नि जल रही है उस अग्नि से ये शॉट में पीछे की तरफ पैन करते हुए जा रहे हैं और लड़का लड़की दोनों क्लोज आ रहे हैं। इस शॉट को जो प्लेस किया हुआ है, यहाँ पर रखा हुआ है, आप उस जगह को बहुत ध्यान से समझना किस तरीके से यहाँ पर प्लेसमेंट होती है। मैं आपको ये एक जगह पे समझा रहा हूँ क्योंकि ये जल्दी समझ में आने वाली जगह है, ठीक है। यहाँ पर एक ऑडियो पीस है, मैं वर्डिंग को भूल जाऊं यहाँ पर क्या वर्डिंग है, ठीक है। एक ऑडियो पीस है, पियानो में बज रहा है, पियानो का ऑडियो है जो कि बहुत साइलेंटली चालू होके एकदम से रेस हो रहा है और बाद में वापस साइलेंट जा रहा है। उसका जो ग्राफ है, अगर आप मुझे देख पा रहे होंगे, तो ऐसा साइलेंटली ऊपर जा रहा है और ऊपर जाने के बाद एकदम से नीचे आ रहा है, तो आप उस ऑडियो को समझेंगे। और ये शॉर्ट की जो पैनिंग है वो, और ये लड़का लड़की की जो मूवमेंट है वो, इसको किस खूबसूरती के साथ में यहाँ पर मैच किया हुआ है उसको समझ गए आप, ठीक है। मैं फिर से इसको प्ले कर रहा हूँ, आप इसको समझना। इस क्लिप को यहां से स्टार्ट करते हैं, इसको पियानो, यहां पर ऑडियो रुक गया हो, देखो आप फिर से देख समझो इसको, मैं जो समझाना चाह रहा हूं। एक पियानो पीस है, मतलब एक आपको रिदम को छोड़ दो आप, इसके वर्डिंग को छोड़ दो आप, सिर्फ वो पियानो के साथ में ये जो ट्रैकिंग की हुई है कैमरे की, इसको मैच की हुई है इतनी खूबसूरत ढंग से कि आप इसको अगर मैच कर जाए ना एडिट करते वक्त में, तो आप बिल्कुल कनेक्ट करेंगे, हर किसी के साथ कनेक्ट करेंगे। यहां से स्टार्ट हो रहा है ऑडियो, ऊपर डाउन खत्म, दूसरा ऑडियो स्टार्ट हो गया। बहुत खूबसूरत ढंग से उसको ऑडियो को मैच किया हुआ है इस पूरे वीडियो के अंदर में। इस वीडियो का आप बाद में वापस ध्यान से देखना, इसको समझना, आपको बहुत मजा आएगा। इस वीडियो में काफी कुछ है एडिट करने के लिए, और जैसा एडिटिंग आज की रिक्वायरमेंट है वैसी एडिटिंग इसके अंदर आपको मिलेगी, राइट। सर अभी क्वेश्चन आंसर लेते हैं, या फिर कलर करेक्शन का एक टॉपिक है उसके ऊपर हम लोग राइट। जाए। कुछ कुछ क्वेश्चन है, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये भी लगा मुझे कि लिप सिंक कैसे करते हैं, लिप सिंक को मैच करना है। और एक क्वेश्चन है जिन्होंने 10-15 बार पूछा है कि आप सॉफ्टवेयर कौन सा यूज करते हैं। अच्छा सर, मैं ईडीएस और प्रीमियर दोनों सॉफ्टवेयर यूज करता हूँ। दोनों सॉफ्टवेयर में मैं एडिट करता हूँ और दोनों सॉफ्टवेयर में एक जैसा ही एडिट होता है, ओके, ठीक तो है। तो सॉफ्टवेयर एडिट करता है कि आप बहुत, एडिट करते हैं सर? इसलिए मैं आपको बोलना चाह रहा था अभी कि कोई भी सॉफ्टवेयर जो है वो कभी भी एडिटिंग नहीं करता है, एडिटिंग आपको करना है। आपके पास कोई भी सॉफ्टवेयर हो, आप जैसा सोचते हैं वैसा ही एडिटिंग होने वाला है। आज की जो मैंने पूरी क्लास आप लोगों के लिए रखी थी, उसके अंदर में हमने कहीं भी बहुत ज्यादा सॉफ्टवेयर को बताने में या उसको समझने में हमने टाइम नहीं दिया है, या इसके पहले की क्लास में भी नहीं दिया है, क्योंकि सॉफ्टवेयर चलाना बहुत लोगों को आता है और सॉफ्टवेयर चलाना सीखा भी बहुत लोग रहे हैं। सॉफ्टवेयर चलाना सीखने के लिए आपको यूट्यूब पे बहुत सारे ट्यूटोरियल भी अवेलेबल है, आप कहीं भी जाके सीख सकते हो। थोड़ी देर सॉफ्टवेयर पे आप अपना टाइम स्पेंड करेंगे तो वहां पर भी आपको सॉफ्टवेयर आ जाएगा। लेकिन ये जो सेंस है, ये जरूरत है जो आपको, ये आपको नहीं मिलने वाली आपको कहीं पर भी, ठीक है। तो राइट, इसके लिए आपको इन चीजों को समझे कि कोई भी एडिट करने के लिए सॉफ्टवेयर सिर्फ आपका एक टूल है जिसका आप यूज करके उसका फॉर्मेशन करते हो, उस फुटेज का फॉर्मेशन करते हो। लेकिन अगर आपके पास 50 क्लिप है और उस 50 क्लिप में से 10 क्लिप रखना है आपको और 40 क्लिप डिलीट करना है, तो वो सिलेक्शन सॉफ्टवेयर नहीं करके देने वाला, वो सिलेक्शन आपको करना है। आपको डिसीजन लेना है कि कौन सी क्लिप रखना है, कौन सी क्लिप को डिलीट करना है, ठीक है। राइट राइट ऑडियो का राइट सिलेक्शन आपको करना है, आपका कौन सा ऑडियो आपने रखना है वो ऑडियो का सिलेक्शन कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं बोलेगा यार इसके साथ मैच नहीं करेगा, इस ऑडियो को मैं नहीं लेने वाला अपने टाइमलाइन पे, ऐसा कोई भी सॉफ्टवेयर आपको नहीं बोलने वाला है, वो राइट आपको और डिसीजन लेना है।
और एक क्वेश्चन है यहाँ पर कि ग्राफिक्स का कैसे यूज करें वीडियो में, वो एक है, और लिप्स मैचिंग को कैसे करें? लिप्स मैच करना है या बीट मैच करना है? क्योंकि लिपसिंग लिप्स मैच करने के लिए आपको लिपसिंग मैच करने के लिए लिपसिंग शूट करना पड़ेगा। राइट 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 लिपसिंग तो मतलब आपका जो बोल है, आप बोल रहे हो उसको मैच करना आपके ऑडियो के साथ में। ऑडियो अलग है और वीडियो आपने अलग से शूट किया और उन दोनों को मैच करना, यानी लिपसिंक का प्रोसेस है। राइट ठीक है, राइट तो राइट ओके उसको आपको समझना पड़ेगा। तो बीट मैच करना अलग चीज हो जाती है और लिपसिंक करना है तो वो अलग चीज हो जाती है, या फिर वो क्वेश्चन कुछ अलग तरीके से पूछना चाहते हो ऐसा भी हो सकता है। वो उनका क्वेश्चन वही है कि लिप्स मैच करना है ऑडियो एल्बम। ऑडियो एल्बम के लिए तो लिपसिंग के लिए आपको, एक तो जब आप रिकॉर्डिंग करते हैं उस समय पे आपको ऑडियो प्ले करते हुए उसके साथ साथ में लिपसिंग करवानी होती है, ताकि आप सामने वाला जो भी एक कैरेक्टर है आपका, वो कैरेक्टर उस लिप्स को प्रॉपरली बोल पाए या उसको प्रोनाउंस कर पाए, ताकि आपको वो वीडियो में दिखे। और उसका बैकग्राउंड ऑडियो आप रिकॉर्ड कर सकते हैं उसी समय पे, और उस ऑडियो के साथ आपका जो ओरिजिनल ऑडियो है उसको मैच कर सकते हैं, और ये दोनों मैच हो गया तो लिप्स अपने आप मैच हो जाएंगे आपके। एक प्रोसीजर है उसकी, ठीक है? आप जिसका भी क्वेश्चन है वो मुझे कॉल कर ले, मैं आपको वो चीज और डिटेल में समझा दूंगा, ठीक है? और ग्राफिक्स बाकी का यूज कैसे कर सकते हैं? ग्राफिक्स का यूज वीडियो में कैसे कर सकते हैं? ऐसे क्वेश्चन है चिन्मय ग्राफिक्स का यूज चिन्मय के। मतलब बैकग्राउंड्स वगैरह का यूज, तो मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ जो आपको मजा आ जाएगा। मेरे को ऐसा लगता है कि ये काफी पहले मेरा एडिट किया हुआ है, या शायद, मेरे को ध्यान नहीं है, मैं 1 मिनट रुकिए, वीडियो निकालता हूँ पहले। ग्राफिक्स का वीडियो है जिसमें मैंने काफी ग्राफिक्स का यूज आपको दिखाना है, इसीलिए इस वीडियो को मैं निकाल रहा हूं। देखें आप। देख तेरा रंग सांवला हुआ बावला, लड़की नहीं है तू गरम मामला, बोलते बंद मेरी बहू क्या कुछ भी कहा नहीं जाए। जन्नत जो तू दिल्ली ले है लंदन, मटक मटक जो जरूरी न टंडन, जन्नत जो तू दिल्ली ले है लंदन, मटक मटक जो जरूरी न टंडन, दलगन में आई है बंधन, गोली चल गई धाए। गुरे बिलती ही गुमे रहती, नगुरे बिलती गुमे रहती, चिंद खाती फुल लड़की ब्यूटीफुल कर दे झूल, मेरे ख्याल से काफी कुछ तो आपको ग्राफिक्स इसमें दिखाई दिए होंगे और किस तरीके से लेटेस्ट नए तरीके से यूज कर सकते हो आप। फिर भी मैं बता दूं कि ये वीडियो करीब करीब 5 साल पुराना है और आज भी इस तरीके से ग्राफिक्स का कोई यूज नहीं कर रहा है, राइट राइट राइट? राइट हाँ, क्योंकि ग्राफिक्स का इस मुझे लगता है सर आपने जो यूज किया वो उसका पहले प्री प्लानिंग करता रहे करता हूँ, मतलब कितना कैसे करते हैं आपकी भाई कौन सा ग्राफिक कहाँ पे, तो वो वर्डिंग्स के अकॉर्डिंग भी दिखा वहाँ पर। राइट यहाँ पर एक्चुअली ग्राफिक्स का हो गया, हाँ और जो भी क्वेश्चन है बेसिकली हम लोग वो फटाफट कर लेते हैं। जैसे नए अभी जो जितने भी बिगिनर्स हैं उनके लिए आप क्या टिप्स इम्पोर्टेंट देंगे कि जो वीडियो एडिटिंग में आना चाह रहे हैं, राइट और ये लड़कों के लिए कोई हल्दी सॉन्ग्स बताएं एडिटिंग के अकॉर्डिंग? चलिए आपको अगर पता है तो वो भी चलो बताना इम्पोर्टेंट रहेगा, एक नॉलेज मिल जाएगा। चलो ठीक है सर। तो ये जो नए बिगिनर्स आ रहे हैं उन लोगों के लिए 4-5 टिप्स है कि बिगिनर्स लोग क्या करें। तो सबसे पहले उनको अपना नॉलेज लेना है सॉफ्टवेयर का। ये 5-6 पॉइंट्स है, उसको ध्यान रख के आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग होने के बाद में आपको मैंने जैसे अभी पूरे वीडियो में समझाया कि वेडिंग इमोशंस को आपको समझना है, उसके बाद वीडियो फ्रेमिंग्स को, मतलब किसी सिनेमेटोग्राफर के साथ आप थोड़ा समय टाइम बिताए, उनके साथ में आप हो सके तो शूट पे जाए और उस फ्रेमिंग को समझे कि क्या होती है वीडियो फ्रेमिंग्स। उसके बाद सेंस ऑफ कलर्स,
कलर्स के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, तो कलर्स के बारे में आप सीखिए। उसके बाद ऑडियो, ऑडियो जैसे कि आज की क्लास में हम लोगों ने काफी डिस्कशन किया है, ऑडियो की समझ आपको तैयार करनी है, तो जितना समय आपको मिलता है उतने समय आप यूट्यूब पे दूसरे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जाके ऑडियो को सुनने की कोशिश करें, ऑडियो को काट छाट करने की कोशिश करें, एक दूसरे में मर्ज करने की कोशिश करें। जितना टाइम आप ऑडियो के साथ स्पेंड करेंगे उतना ज्यादा आपका वीडियो पावरफुल होगा। उसके बाद स्टोरी मेकिंग के ऊपर आप अपने आप को तैयार करना चालू करें कि स्टोरी कैसे बनाई जा सकती है एक वेडिंग के अंदर में, और आप अपने सिनेमेटोग्राफर के साथ डिस्कशन करके उस स्टोरी को कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हो, ये सब चीजों के ऊपर काम करना आपको सीखना है। तो ये स्टेप बाय स्टेप आपको जाना है, सबसे पहले सॉफ्टवेयर और इमोशंस और बाकी चीजें जो मैंने लिखी है उसी स्टेप में, और उसके बाद वेडिंग कॉन्सेप्ट। वेडिंग कॉन्सेप्ट से मतलब है मेरा कि वेडिंग टीजर क्या होता है, हाईलाइट क्या होती है, शॉर्ट फिल्म क्या होती है, वेडिंग स्टोरी क्या होती है, इन सब में क्या डिफरेंस होता है, कितनी देर की होती है, ये अलग अलग कॉन्सेप्ट है। इन कॉन्सेप्ट मतलब ये कॉन्सेप्ट आपको आपका फाइनल आउटपुट देना है, यानी आपका जो प्रोडक्ट है वो आपका कॉन्सेप्ट है, तो वो कॉन्सेप्ट क्या क्या है और उनकी क्या बाइंडिंग है, ये सब चीजों को आपको समझना है, इसके ऊपर अपने आप को तैयार करना है। तो मुझे लगता है कि बिगिनर्स के लिए अभी ये स्टेप्स उनको पता लग गई होगी कि वो क्या क्या स्टेप में अपने आप को तैयार करें। जी सर, नेक्स्ट कोई क्वेश्चन? ओके, कलर ग्रेडिंग के बारे में ही आई थिंक क्वेश्चन है, और यूट्यूब पर भी चल रहा है, लेकिन वहां पर जो बीच में पावर डाउन हुआ था उसकी वजह से चैटिंग बंद हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर सॉन्ग सिलेक्शन के बारे में है, कलर ग्रेडिंग के है। जस्ट आपका नंबर चाहिए सभी को, तो आप नंबर भी शेयर कर देता हूँ। राइट, आई थिंक कलर ग्रेडिंग के बारे में ज्यादा सबको एक्साइटमेंट है सर। राइट, तो हम लोग यहाँ बात करते हैं कलर ग्रेड के बारे में थोड़ा। ग्रेडिंग भी नहीं करेंगे हम बस यहाँ पर आज, क्योंकि सब्जेक्ट कोई छोटा नहीं है सर, इसको अगर हम लोग लेके बैठेंगे तो हम लोग ये सब्जेक्ट के ऊपर पूरा हफ्ता दे देंगे कलर करेक्शन और कलर ग्रेडिंग पे। और ऐसे वीडियो एडिटिंग के बहुत सारे सब्जेक्ट है, हर सब्जेक्ट को आज डिस्कस कर पाना मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा वर्थ रहेगा आज। राइट, सिर्फ एक उनका अभी तक हुआ नहीं सॉल्व की जो डीजे जो बजता है, आवाज जो होता है डीजे का जो डांस करते हैं जिस पर, वहां पर अगर डीजे ज्यादा हो गया उसका आवाज, या ब्लास्ट हो गया, या फिर वो फटता है कई बार आवाज, तो वो अगर रिकॉर्ड हो गया तो उसको बाद में कैसे हम लोग क्लियर कर सकते हैं, ऐसा उनका बार बार क्वेश्चन आ रहा है। हाँ, तो वहां पर देखो सर, वो मैं आप समझा आपका क्वेश्चन क्या होता है, जब हम लोग शूट करते हैं, देखो ये सीखने की जरूरत है हमारे वीडियोग्राफर और सिनेमेटोग्राफर को, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर गलती क्या होती है कि हमारा जो जब हम इवेंट पे होते हैं तो हम लोग कोई एक्सटर्नल ऑडियो डिवाइस यूज नहीं कर रहे होते ऑडियो रिकॉर्ड करने के लिए, या फिर हम केबल से हमारा कैमरा कनेक्ट करने के नहीं रखते कि उसका ऑडियो जैसा ओरिजिनल शार्प आना चाहिए वो शार्पनेस के साथ साउंड को हम रिकॉर्ड कर ले, तो हम क्या करते हैं माइक को ओपन कर देते हैं हमारे कैमरे के और उसमें साउंड को रिकॉर्ड करना चालू करते हैं। उससे होता क्या है कि जब आप स्पीकर से दूर होते हैं तो साउंड आपको अच्छा आएगा, थोड़ी क्वालिटी ठीक सुनाई देगी, जर्क और उसके अंदर में एरर कम सुनाई देंगे आपको, मतलब छोटे छोटे जो फटने की आवाज वगैरह आती वो कम आएगी। लेकिन जब आप शूट करते करते कि स्पीकर के पास चले जाते हैं तब वहां प्रॉब्लम होती है, क्योंकि स्पीकर जैसे पास में आएगा वो ज्यादा लाउड साउंड थ्रो करेगा और वो आपके माइक पे आके टकराएगा उतना ज्यादा लाउड, और आपका साउंड वहां पे क्रैक होना चालू हो जाएगा। तो देखो एडिट में हम उसको कुछ भी नहीं कर सकते, एडिट से पहले ही उसको हमको वो ध्यान रख के शूट करना है, और थोड़ा बहुत रिपेयर करना यानी बहुत माइनर, हम लोग 10-20% उसको रिपेयर कर सकते हैं लेकिन वो साउंड नहीं जाने वाला। तो इसके लिए जितना भी हो सके अपने सिनेमेटोग्राफर वीडियोग्राफर को आप गाइड करें कि आप शूट करते वक्त में या तो कोई केबल कनेक्ट करें या एक्सटर्नल ऑडियो रिकॉर्डिंग के लिए डिवाइसेस आते हैं, बहुत महंगे नहीं होते, 8-10 हज़ार 15 हज़ार रुपए की रेंज में आते हैं, उसको लगा के हमेशा ऑडियो को रिकॉर्ड करते रहे। इसके पहले शायद मेरे ख्याल से सुरवे सर और बाकी जो भी सिनेमेटोग्राफी की आपने क्लास की होगी उसके अंदर आपको बताया गया है कि ऑडियो रिकॉर्ड करने के लिए आप ऑडियो डिवाइसेस का यूज करें या केबल कनेक्ट करें। राइट सर? राइट राइट राइट। और YouTube के भी कुछ क्वेश्चन दिख रहे हैं, मैं फटाफट YouTube पर बहुत खूबसूरत रिप्लाई आए हैं सभी कि आपने जितना भी अभी तक दिखाया है बहुत सभी बहुत खुश है और बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं। कई लोग बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा आइडियाज यहाँ से मिले हैं और बहुत अमेजिंग आइडियाज मिले हैं, जो आपने विदाई का जो सॉन्ग का जो बताया वो सभी को बहुत छा गए, बहुत ज्यादा अच्छा लगा है वो एक, और कई लोगों के आंखों में आंसू भी आ गए, और यहाँ पर कई कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो गए ऐसे बता रहे हैं। यहाँ पर एक है
तानाजी करके सर है, जो सर स्मोकी ओवरले एंड वाटर बबल ओवरले वीडियो बैकग्राउंड कहाँ से डाउनलोड करे, एक क्वेश्चन है। बाकी सब नाइस एक्सप्लेन किया है आपने, ऐसे बता रहे बहुत अच्छे अच्छे बहुत पॉजिटिव यहाँ पर है। एक स्टूडियो प्रतिमा है सोनी A7 Mark III एस लॉग वीडियो इन एडोब प्रीमियर प्रो, हाउ टू एडिट वीडियो, ओके एस लॉग के बारे में उन्होंने पूछा है। ओके सो आई थिंक कलर ग्रेडिंग है, एस लॉग है, और जो कुछ वाटर बबल और वो जो इफेक्ट है वो कहाँ से डाउनलोड करें, ऐसे कुछ क्वेश्चन है। राइट मैं वो भी बता देता हूँ, लेकिन अभी देखो कलर करेक्शन में बहुत सारे टॉपिक है और मैं आप सभी को बता देता हूँ, हालांकि ये प्लेटफॉर्म सही नहीं है बताने के लिए लेकिन प्रोफेशनली सही भी है। तो मैं आपको बताता हूँ कि मेरा एक कलर करेक्शन का कोर्स अभी मैं अगले हफ्ते लॉन्च करने वाला हूँ, जो कि मेरे मोबाइल एप्लीकेशन है क्विक वीडियो एकेडमी में आगे बताने वाला हूँ, उसके अंदर आपको मिलेगा और बहुत कम 600-700 रुपए 800 रुपए के कॉस्ट में वो कोर्स रहेगा। उसमें कुछ टोटल 50 एपिसोड है जिसके अंदर कलर्स के बारे में आपको पूरी थ्योरी और उसका कलर करेक्शन की मेथड उस सारी चीज सीखने के लिए मिलेगी और आप आसानी से कलर करेक्शन की तरफ जा सकेंगे, लेकिन मेहनत लगने वाली प्रोसीजर आपको उस पूरे कोर्स में मिल जाएगी। ठीक है, तो आज 1 घंटे या आधे घंटे या 10 मिनट में हम कलर करेक्शन नहीं सिखा सकते, लेकिन आज कलर करेक्शन से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप मैं आपको देने वाला हूँ, वो आपको बहुत यूजफुल रहने वाली है सभी के लिए। ठीक है जी, तो मेरे ख्याल से जाना चाहिए कलर करेक्शन की उस टिप पे, क्योंकि वो सबके लिए समझ लिया आज का गिफ्ट है। राइट राइट राइट, प्लीज प्लीज। तो हम लोग उस पे जाते हैं। सबसे पहले मैं आप सभी को बोलूंगा, आप चाहे EDS में कर रहे हो चाहे प्रीमियर में कर रहे हो कलर करेक्शन, आपका जो वेक्टर स्कोप होता है ये वाला वेक्टर स्कोप, इसको आपको ऑन कर लेना है। ठीक है, ये सब लोग ध्यान से समझना वेक्टर स्कोप को। मैं जरा मेरा प्रीव्यू चेंज कर रहा हूं, ठीक है। यहाँ पर आपको ये वेक्टर स्कोप दिखाई दे रहा है, मैं बहुत लंबा नहीं खींचूंगा क्लास को, बहुत शॉर्ट में बताऊंगा, फास्ट बताऊंगा आपको। ये वेक्टर स्कोप के अंदर में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये सारा कलर चार्ट है आपका, ये रेड कलर है, ग्रीन कलर है, यहाँ पर ब्लू कलर है, और ये तीनों के कॉम्बिनेशन से हमारे जितने भी कलर प्रोड्यूस होते हैं ये रेड ग्रीन और ब्लू कलर के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। ठीक है, और इस पूरे कॉम्बिनेशन में अगर मैं आपको ये वेक्टर स्कोप मैच करके दिखाऊं कलर व्हील के साथ में है, एक मिनट मैं कलर व्हील सर्च करता हूं और आपको दिखा देता हूं ताकि आप उसको और अच्छे से समझ पाए। यहां पर ये जो सर्कल दिख रहा है ये आपका कलर व्हील है, और इसी कलर व्हील को यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, पर यहाँ पे कलर्स नहीं दिखाई दे रहे, सिर्फ नाम दिख रहा है। तो यहाँ पर आपको ऊपर रेड दिख रहा है, यहाँ पर ब्लू दिखाई दे रहा है, यहाँ ग्रीन दिखाई दे रहा है। तो इस कलर व्हील को अगर हम ऐसा रोटेट कर दे तो ये साइड में ग्रीन, यानी कि यहाँ पर ग्रीन है, यहाँ पर ब्लू है और यहाँ पर रेड है। ठीक है, यही आपका ये कलर व्हील है। अब आपको ये समझना है इसके साथ में कि ऐसी कौन सी जगह है जहां पर जाएंगे तो हमको परफेक्ट स्किन टोन मिलेगा, तो वो होगा रेड और येलो के बीच में। स्किन टोन हमेशा आपको मिलेगा रेड और ग्रीन, इसके बीच में और येलो से पहले ये स्किन टोन मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बहुत सारी लाइंस दिख रही है, यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन है जी, आप सब लोग ध्यान से समझना, ये वर्टिकल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, और ये आपका सेंटर निकाल के यहाँ पर आपको दिखा रही है, लेकिन इन दोनों के बीच में यहाँ एक और लाइन दिखाई दे रही है, ये लाइन जी। ठीक है, ये जो लाइन है ये आपकी स्किन टोन की लाइन है, बहुत से लोगों को ये पता नहीं है, मैं आप सभी को बता दूं ये जो लाइन है ये स्किन टोन की लाइन है, और अगर मुझे यहाँ पर स्किन टोन मिलाना है तो बहुत सिंपल सी प्रोसीजर मैं करूंगा यहाँ पर, कि मैं कलर करेक्शन करने से पहले मैं यहाँ पर मास्क अप्लाई करूंगा, चाहे वो आपका EDS हो चाहे प्रीमियर हो, किसी भी सॉफ्टवेयर में जाके मैं यहाँ पर स्किन को सिलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे कि ये एक स्किन का पार्ट है और बाकी का पार्ट मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ। देखो आपको यहाँ पे स्किन दिखाई दे रही होगी, राइट जी, और यहाँ देखो आपको एक यहाँ पे लाइन आ गई सिंपल, और वो लाइन कहाँ पर है वो देखिए आप जी, इस लाइन पे है। अब इस लाइन पे अगर नहीं है तो उसको मिलाना, यानी आपका स्किन टोन मिलाना है। अब मैं इसके अंदर में यहाँ पर एक फिल्टर अप्लाई कर देता हूं,
और यहाँ पर बहुत सिंपल सी चीज है, वाइट बैलेंस के लिए हम लोग टेम्परेचर कंट्रोल करते हैं ब्लू या येलो, ये आप बेसिक सेंस है मेरे ख्याल से, सचिन सर और बाकी काफी लोगों है जो अटेंड कर रहे हैं उनको पता होगा। तो अगर मैं इसमें येलो की तरफ जा रहा हूँ तो देखो मेरा जो ये यहाँ पर बना हुआ है एक लाइन बनी हुई है वर्टिकल, वो एक तरफ जा रही है येलो की तरफ, दिख रही है आपको, जी स्किन टोन को छोड़ के जा रही है, ठीक है। तो हमको इसको उतना सरकाना है जब तक ये सेंटर ना आ जाए प्रॉपर उस लाइन के। देखो यहाँ पर ये मैंने पोजीशन चेंज किया है थोड़ी सी इसकी, पिंक कलर की, और ये लाइन को जी यहाँ पर मिला दिया है, ठीक है। अब मैं यहाँ से चेंज करता हूँ, इस मास्क को हटा देता हूँ, तो आपको यहाँ पे स्किन टोन जो है उसमें काफी चेंजेस दिखाई देंगे। अभी देखो इसको बहुत कुछ मिलाना है पर मैंने सिर्फ स्किन टोन मिलाया है, तो स्किन टोन जी एक्चुअल में मिलाने का प्रोसेस है आखिरी में, मैंने पहले मिलाया है। तो अब मैं इसको थोड़ा सा ठीक करता हूँ क्लिप को, अब आप देखें स्किन टोन कैसे दिख रही है। बढ़िया। पहले जो स्किन टोन थी वो क्या थी और अब क्या है। ठीक है, इसमें और काफी काम करना बाकी है, मैंने सिर्फ स्किन टोन लिया है क्योंकि इसका भी शेडो, हाईलाइट, मिड टोन सब एडजस्ट करना है, कलर टेम्परेचर सब एडजस्ट करना है। मैंने सिर्फ आपको इतना बताया है कि अगर आपको सब एडजस्ट करने पे स्किन टोन मिलाने में तकलीफ जा रही है तो ये जो वर्टिकल लाइन है वेक्टर स्कोप की, इसमें स्किन को सिलेक्ट करके आप जस्ट इसको मैच करिए, इसके साथ मैच करिए आपका जो भी फिल्टर आप यूज करते हैं वो फिल्टर्स में जाके उसमें से आप यहाँ पर व्हाइट बैलेंस कर सकते हैं। जैसे कि ये येलो में अगर ब्लू की तरफ ले जाता हूं तो देखो वो व्हाइट लाइन सड़क के ब्लू जोन में आ गई और हमारी स्किन टोन यहाँ पर पूरी बिगड़ गई, दिख रही होगी आपको। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, स्किन टोन को मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये येलो और उसके साथ साथ पिंक दोनों का कॉम्बिनेशन मिला के आपको यहाँ पर एक स्किन टोन दिखाई देगी, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये एक टिप बढ़िया है सभी के लिए कि स्किन टोन मिलाने के लिए वेक्टर स्कोप का यूज करना है, तो स्किन टोन किस जगह पे आएगी उसको कैसे मिलाएंगे ये आपको यहाँ पर समझ में आ ही गया होगा। तो ये एक टिप है, और आने वाले कोर्स में आपको ऐसी कई सारी टिप्स और ऐसे कई सारी चीजें मिलेगी जिसके वजह से आप कलर करेक्शन में काफी हद तक आगे जा सकेंगे, अच्छा कर सकेंगे। और अगर आपको इसको देखना है तो एक आधी क्लिप और लेके उस पर भी हम करके देख सकते हैं, अगर आप सचिन सर बोल रहे एस हैं। लॉक के बारे में पूछ रहे हैं। बताऊं सर उसको, ओके एस हाँ लॉक, और ये जो आपने अभी बताया स्किन का, ये प्रीमियर में जी, भी ऐसा ही रहेगा? सेम है सर, वेक्टर स्कोप सब में सेम आता है, वेक्टर स्कोप में वो लाइन आपको सेम ही मिलेगी। ठीक है चलेगा। तो एक बार एस लॉक एक ले लेते लास्ट में, और फिर हम लोग राइट सर, रुक जाएंगे। फिर आपका जो चैनल है उस पर बाकी बाद में ज्वाइन हो सकते हैं, जहाँ पे उनको नए नए फिर ये डिटेल्स पता चलेगी। जी सर, मैं एक पीपीटी ओपन कर रहा हूँ, एक मिनट। ये हमारा लॉग कर्व होता है, अब ये क्या है इसके लिए आपको पहले समझना होगा ये वाला कर्व क्या होता है। तो अभी हमारा कलर करेक्शन का इतना बड़ा टॉपिक या इतना टाइम आज हमारे पास नहीं कि हम इसको बहुत ज्यादा डिटेल में समझ सकते हैं, तो हम जरा ये कर्व को समझते हैं पहले कि लीनियर कर्व और लॉग कर्व दोनों में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले मैं ये वर्टिकल लाइन और ये हॉरिजेंटल लाइन है इसको समझा देता हूँ, ठीक है। तो आप ये समझिए कि ये आपका 0 पॉइंट है जहां पर ब्लैक कलर है, यानी कि हमारी वीडियो का शेडो एरिया है, जहां पर कोई भी कलर जो है वो है ही नहीं, बिल्कुल जीरो है। और ये जो ऊपर का एरिया है ये हमारा जो है इस पॉइंट में, इसके अपोजिट पॉइंट जहां पर ये लाइन मिल रही है, ये हमारा व्हाइट एरिया है जहां पर सारे जो कलर्स है वो मैक्सिमम उसके ब्राइटनेस के साथ में है जिसके वजह से वो व्हाइट हो गए। तो ये आपका जो है व्हाइट एरिया है सबसे ऊपर। तो जब हम कोई कैमकॉर्डर से शूट करते हैं विदाउट लॉग, मतलब हम बनाते हैं लीनियर क्लिप, लीनियर वीडियो जब हम शूट करते हैं या लीनियर में हम लोग शूट करते हैं फोटो या वीडियो कोई भी, तो उसका जो ग्राफ होता है वो हमेशा ब्लैक से लेके व्हाइट की तरफ, मतलब मैक्सिमम ब्लैक और मैक्सिमम व्हाइट उसके अंदर में दिखाया जाता है, ठीक है। तो उससे होता क्या है कि जो ब्लैक आपका शूट हो रहा है उसको और ज्यादा ब्लैक नहीं कर सकते आप, और जो व्हाइट हो रहा है उसको और ज्यादा व्हाइट नहीं कर सकते, या जो व्हाइट हो गया उसको हम लोग वापस रिकवर नहीं कर सकते, जो डार्क एकदम हो गया उसको हम वापस रिकवर नहीं कर सकते, यानी कि डिटेल हमारी वहां पर खत्म हो जाती है।
लेकिन वही चीज अगर हम लॉग के बारे में बात करेंगे तो लॉग में क्या होता है कि ब्लैक एरिया को ब्राइट करके शूट किया जाता है और जो ब्राइट एरिया है उसको डार्क करके शूट किया जाता है। देखो इसका कर्व कैसा है, यहाँ पर क्या है, ये ब्लैक है, ये व्हाइट है, ये मैक्सिमम व्हाइट है और ये मैक्सिमम ब्लैक है, तो ब्लैक एरिया भी यहाँ पर पूरा शूट हो रहा है, व्हाइट भी पूरा हो रहा है। लेकिन यहाँ जब हम लॉग में जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, यहाँ पर आपका जो ब्लैक एरिया है उसको हमने यहाँ पर ब्राइट कर दिया है। देखो यहाँ पे कर्व आपका जो है ये व्हाइट की तरफ जा रहा है और ये जो व्हाइट एरिया था जो बहुत ज्यादा ब्राइट हो सकता था उसको हमने यहाँ पे सप्रेस करके डाउन की तरफ लाया, यानी कि व्हाइट से कम रेंज पे लेके आ गया, जिसके वजह से व्हाइट की डिटेल कैप्चर कर रहा है कैमरा और ब्लैक की डिटेल भी कैप्चर कर रहा है कैमरा। और बाद में जब हम पोस्ट प्रोडक्शन में आते हैं तो उस डिटेल को थोड़ा सा शार्प करके और अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर पाते हैं। लीनियर क्लिप में क्या होता है कि वो जो डार्क है उसको हम लोग और ज्यादा ब्राइट नहीं कर सकते और उसको डार्क भी नहीं कर सकते क्योंकि वो मैक्सिमम डार्क हो जाता है, ठीक है। पर यहाँ पर जब हमारा डार्क एरिया शूट है तो वो कैसा है, ब्राइट शूट हुआ हुआ है, ब्राइट शूट किया हुआ है, उसको हम थोड़ा सा डार्क कर सकते हैं। डार्क करने से उसमें कॉन्ट्रास्ट क्रिएट होगा और वो जो भी सब्जेक्ट है आपका वो ज्यादा डिटेल में दिखाई देगा। तो आज के लिए मुझे लगता है कि लॉग और लीनियर का जो डिफरेंस है इतना सफिशियंट है इस क्लास के लिए, और yes, sir, बाकी चीज हम और कभी कोई और क्लास में देखेंगे। परफेक्ट 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 राइट सर। तो इसी के साथ आज का जो भी हम लोगों ने सेशन रखा था उसके कंटेंट मैं बोलता हूँ कि आप देखो वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड हम लोग बात करेंगे तो पूरा दिन भी कम है, पूरी रात भी कम है हमारे लिए और काफी समय निकल जाएगा, पर एक लिमिटेशन है क्योंकि एक एसोसिएशन का प्रोग्राम है। तो हम लोग आज के लिए यहाँ पे ये सेशन को मेरे एंड से खत्म करते हैं। बस कुछ चीजें मैं मेरे एंड से बता देना चाहता हूँ, जो कि मुझे लोग कुछ क्वेश्चन कर रहे थे कि आपका नंबर क्या है या फिर आपका जो ऐप है उसका भी नाम बता दीजिए और आपके YouTube चैनल का भी बता दीजिए। जी सर एक मिनट। तो आप सबको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि अभी जो मेरा फर्म है क्विक एकेडमी, हमारी एकेडमी है जिसमें हम वीडियो एडिटिंग के कोर्सेस लेते हैं, उस एकेडमी का मोबाइल एप्लीकेशन हमने लॉन्च किया है। आपको जस्ट आपके गूगल प्ले स्टोर में जाना है, गूगल प्ले स्टोर में, और वहां पर लिखना होगा क्विक वीडियो एकेडमी, क्विक वीडियो एकेडमी। आप उसमें जाके इतना लिखेंगे तो आपको एप्लीकेशन आ जाएगा। मैं यहाँ पर गूगल प्ले स्टोर में करके भी दिखा देता हूँ आपको, गूगल प्ले स्टोर। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है QUICK क्विक वीडियो एकेडमी। तो यहाँ पर जैसे ही आप सर्च में जाएंगे आपको यहाँ पर इस तरीके से हमारा लोगो दिखाई देगा और आप इस पे जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप में आपको क्या मिलने वाला है, क्योंकि डाउनलोड तो कर लेंगे क्या मिलेगा, तो इस ऐप के अंदर हम लोग आने वाले समय में काफी सारे कोर्सेज डालने वाले हैं जो कि पेड होंगे और काफी सारे उसके अंदर कोर्सेज ऐसे रहेंगे जो फ्री रहने वाले हैं। जैसे कि आज का हमने एक टॉपिक देखा लॉग कर्व क्या है, तो ऐसे और भी कई टॉपिक होंगे जो कि इफेक्ट बनाने से रिलेटेड होंगे, वो आपको उस एप्लीकेशन में फ्री मिलेंगे। उसके अलावा आप उस एप्लीकेशन से मुझसे कभी भी डायरेक्टली चैट कर सकते हैं, उस एप्लीकेशन में चैट का ऑप्शन दिया हुआ है। उसके अलावा उस एप्लीकेशन के थ्रू आपको हमेशा नोटिफिकेशन आते रहेगा कि हम लोग क्या नया अपडेट कर रहे हैं और क्या नई चीज आप डाउनलोड कर सकते हैं, कौन से चैनल पे जाके आप क्या चीज को ले सकते हैं, बाय कर सकते हैं, या कोई कंटेंट नया आपकी रिक्वायरमेंट होगी उसकी उस चीज को लेना चाहते हैं, तो ऐसे नोटिफिकेशन इस एप्लीकेशन के थ्रू मिलते रहेंगे। अगर आप वीडियो एडिटर है तो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहने वाला है। उसके बाद दूसरा मैं आपको स्लाइड दिखाना चाहता हूँ, एक यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब चैनल एक नहीं मेरे दो है एक्चुअल में, मैं आपको एक चैनल दिखा रहा हूँ, एक मिनट सर। ये एक अभी चैनल मैंने स्टार्ट किया है जस्ट, अभी बहुत ज्यादा कंटेंट नहीं है, इसका नाम है एडिटिंग बाजार बाय QMS, QMS मतलब क्विक मीडिया सॉल्यूशन। और ये वाला YouTube चैनल भी आप सब्सक्राइब करें क्योंकि इसके अंदर मैं आने वाले पूरे समय में मैं EDS प्रीमियर आफ्टर इफेक्ट के काफी सारे इफेक्ट, इसके अंदर लगने वाले काफी सारे आपके जो एलिमेंट्स है, जैसे कई लोग पूछ रहे हैं मुझे ओवरले चाहिए, कई लोग पूछ रहे हैं मुझे साउंड चाहिए, तो ऐसे कंटेंट मैं फ्री में अपलोड करने वाला हूँ जिससे कि आप लोग डाउनलोड कर सको।
उसके साथ साथ टेम्पलेट्स रहेंगे। अभी EDS के उसमें कुछ 50 टेम्पलेट डले हुए हैं जो कि व्हाट्सएप इनविटेशन के, जिसमें से 5 टेम्पलेट शायद फ्री है, आप उसको अभी फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो कई टेम्पलेट उसमें फ्री है, कई टेम्पलेट उसमें 50 रुपये में है, कई टेम्पलेट 100 रुपये में है, यानी बहुत ज्यादा कॉस्ट में भी हम इसके अंदर कोई टेम्पलेट या कोई चीज नहीं डालने वाले। तो आप एक इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए यूट्यूब पे, एडिटिंग बाजार बाय QMS। आप अगर यूट्यूब पे है तो यहाँ पर जाके आपको बस इतना लिखना है, एडिटिंग बाजार QMS, याद नहीं भी रहा तो आप एडिटिंग बाजार में जाएंगे और ये वाला लोगो दिख रहा है, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ये एक चैनल हो गया। और दूसरा चैनल है हमारा क्विक एकेडमी, जो कि आप जब से देख रहे हैं क्विक एकेडमी ऑफ वीडियो एडिटिंग, इसके अंदर अगर आप जाते हैं तो आपको यहाँ पर दिखेंगे बहुत सारे ऐसे ट्यूटोरियल्स मिलेंगे जिससे कि आप सीख सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ आपको सीखने मिलेगा, यहाँ पर कोई कंटेंट नहीं मिलेगा आपको कि आप यहाँ से कुछ डाउनलोड करके उसको यूज कर लेंगे, कोई टेम्पलेट नहीं है यहाँ पर। हमेशा आपको जो भी कंटेंट मिलेगा वो सिर्फ सीखने के लिए मिलेगा, आप यहाँ से काफी कुछ सीख सकते हैं। देखिए मैंने EDS की एक 15 एपिसोड की सीरीज यहाँ पर डाल रखी है, उसके अलावा प्रीमियर और EDS के काफी सारे यहाँ पर ट्यूटोरियल है इफेक्ट बनाने के लिए, आप यहाँ से देख सकते हैं। तो ये आप कभी भी इसको देख के यहाँ से सीख सकते हैं, ठीक है। तो आप ये दोनों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, राइट सर? यस सर, थैंक यू सो मच। और आपका नंबर भी बता दीजिए एक बार। यस सर, मैं मेरा नंबर भी अभी बता देता हूँ, आप बताइए चाहे तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ ऊपर। यस सर, 937, जस्ट अ मिनट, मैं यहाँ लिख देता हूँ, 9371848777, 9371848777। देखिए स्क्रीन पर आ गया है, आप लिख सकते हैं। अच्छा आ गया ऑलरेडी, हाँ मैंने लिख के डाल दिया है। तो ये मेरा नंबर है, बस आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो एडिटिंग के लिए आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं, मतलब वीडियो एडिटिंग में होने वाले प्रॉब्लम्स के लिए। नहीं अगर मैं कॉल उठाता हूँ तो एटलीस्ट मुझे आप मैसेज डाल दीजिए, क्योंकि आपको पता है अगर अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ और अब मैं फोन उठाऊंगा तो आपको ही अच्छा नहीं लगेगा, तो ऐसे समय मैं फोन नहीं पिकअप कर सकता हूँ। दूसरा, सभी से रिक्वेस्ट है कि हम एडिटर हैं, रात को ज्यादा काम करते हैं, तो रात को 2 बजे उठ के मुझे मत फोन कीजिए। आप सभी से रिक्वेस्ट है आप मुझे फोन करिए सुबह 8 बजे से रात को 10 बजे तक, किसी भी समय पे आप मैसेज कीजिए, उसी समय पे आपको 24 घंटे के अंदर आपका मैसेज का रिप्लाई जरूर आएगा। बस आप मुझे शायद ओके विलेश सर आप बोलिए, शायद सर का ये हो गया है, तो निलेश सर आप कम्युनिकेट कीजिए। यस सर, तुम्हें बोला सर, तुम्हें बोला। आप सभी जब जो भी इस वेबिनार में आए हैं तो बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे समरेश जो सर है उन्होंने बहुत ही डिटेल में, और जो कि वीडियो एडिटर्स की बहुत अच्छी जरूरत है उसकी बारीकियां जो भी है वो बताई है, और आपके बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर भी उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से दिए। आप उनके चैनल को और उनके जो भी है प्रोग्राम्स आगे वाले, तो उनको आप प्रॉपरली सब्सक्राइब कीजिए और आपके ज्ञान में ज्यादा से ज्यादा आप अपग्रेड कीजिए खुद को। और यह महत्वपूर्ण है कि जो आदमी खुद सिखाने के लिए एक पैशनेट है और वो खुद सीख के आपको सिखा रहा है, तो उसकी एकेडमी ज्वाइन करने के लिए बहुत ही अच्छा समय है ये। और दूसरी बात यह कि यहाँ पे बहुत सारी अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, यूट्यूब पे भी आ रहे हैं, यहाँ पे चैट बॉक्स पे भी आ रही है। ये सेशन बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही बढ़िया रहा। तो आप सबका मैं धन्यवाद करता हूँ कि आपको यह सेशन बहुत ही अच्छे से पसंद आया। अगला निलेश सर शायद आपका आवाज भी बहुत अच्छे अच्छे आप उसमें शामिल हुई है। और दूसरी बात यह कि सचिन सर जो है हमारे, तो उनका भी इसमें बहुत ही
प्यारा योगदान उन्होंने दिया है, सर के साथ बहुत अच्छे से उन्होंने कम्युनिकेट किया है, तो मैं तहे दिल से सचिन सर का भी आभारी हूँ। हमारी जो संगम नेर फोटोग्राफर्स और वीडियोग्राफर्स एसोसिएशन है, तो बहुत सारे कमेंट ऐसे है कि उन्होंने पूरे संगठन को भी, एसोसिएशन को भी धन्यवाद दिए हैं, तो उन सब का मैं बहुत ही धन्यवाद करता हूं और आगे के सेशंस आप ज्वाइन करें। परसों का जो सेशन है तो वो उसके बारे में मैं रिक्वेस्ट करूंगा सर को कि वो आप बताएं। थैंक यू सो मच, मैं वंस अगेन थैंक यू सो मच समरे सर जी, बहुत ही खूबसूरती से आपने इतनी बारकाइयां बताई है कि एडिटिंग में बहुत इंटरेस्ट आने लगा है, और सॉन्ग्स को समझना, उसके वर्डिंग्स को समझना, उसके उसके बाद एडिटिंग करना, शायद मुझे लगता है कि ये सबसे बेस्ट रहेगा बिगिनर्स के लिए, कि सॉफ्टवेयर तो सीखना ही पड़ेगा क्योंकि टूल है वो, मतलब लेकिन किस तरीके से हमें आगे बढ़ना है, एडिटिंग कितनी खूबसूरती से करनी है वो करनी है। थैंक यू सो मच कहूँगा मैं संगम नेर तालुका फोटोग्राफर्स वीडियोग्राफर्स एसोसिएशन को कि जिन्होंने ये सोचा कि ऐसा कुछ करे, ऐसे कुछ वेबिनार्स या कुछ ऑनलाइन वर्कशॉप्स करें कि जहाँ से हमारे जो फोटोग्राफर भाई है, सिस्टर्स है हमारी, या फिर फोटोग्राफी इंडस्ट्री है, वो खुद को अपडेट कर पाए, अपग्रेड कर पाए, और एक एक स्टेप हम लोग आगे बढ़े। सिचुएशन पैंडेमिक की है, लेकिन उसको अगर उस निगेटिविटी को अगर पॉजिटिविटी में बदलना है तो इससे अच्छा मौका और हो नहीं सकता। जी सर, नेचर अपने आप को रिफ्रेश कर रहा है, राइट, नेचर अपने आप को रिफ्रेश कर रहा है, तो हम खुद भी अपने आप को रिफ्रेश करें, जो भी मन में है, दिल में है, उसको निकाल दे, कुछ फ्रेश हम लोग लेके आए, खुद के लिए लेके आए, स्वार्थी बने, स्वार्थ इसलिए कि भाई चलो खुद को डेवलप करें, सीखने के लिए स्वार्थी बने, हम अलग अलग चीज़ों में स्वार्थ रखते हैं, लेकिन सीखने के लिए अगर रखेंगे तो डेफिनेटली बहुत आगे बढ़ेंगे। सो बहुत तहे दिल से शुक्रिया समरेश सर जी, नीलेश सर जी, और पूरा संगम नेर तालुका फोटोग्राफर्स वीडियोग्राफर्स एसोसिएशन। परसों 17 मई को किड्स फोटोग्राफी पर वर्कशॉप होने वाला है, उनके उसके जो फैकल्टी रहेगी प्रियदर्शनी भोर, सो किड्स फोटोग्राफी बहुत अमेजिंग अपॉर्चुनिटी लेके आई है इंडस्ट्री में, और उस सब्जेक्ट को हमें समझना है, सब्जेक्ट को जानना है। कई बार हम लोग ये करते हैं कि बस अपने पास कैमरा है, कुछ प्रॉप्स खरीद लेंगे और तुरंत फोटोशूट शुरू कर देंगे, तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी कि हम लोग जहाँ पे समझे कि किड्स फोटोग्राफी में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, उसके क्या एथिक्स होते हैं, उसके तत्व क्या होते हैं, कि जिसको समझ के अगर हम लोग प्रॉपर करें तो हम लोग लॉन्ग टर्म तक काम करते रहेंगे। मैं जानबूझकर ये नहीं कहना चाहता, लेकिन कहना जरूरी है इसलिए कि हम खुद 20 साल या 25 साल से स्टूडियो फोटोग्राफी करते आए हैं, और जब हम लोग स्टूडियो फोटोग्राफी करते करते आज कई स्टूडियोज लास्ट टाइम जब लॉकडाउन हुआ उसके बाद में भी सिचुएशन के हालात के वजह से बंद करने पड़े, और उसके बाद में इस साल भी वही आया तो कुछ स्टूडियोज और भी बंद हो रहे हैं। मैं सभी से दरख्वास्त करूंगा, विनती करूंगा कि स्टूडियो कभी बंद मत कीजिए, स्टूडियो तो हमारा कला मंदिर है जहाँ पर कला की निर्मिति होती है, लेकिन उसको बेहतर बनाइए, और स्टूडियो के डिस्प्ले चेंज करना जरूरी है, सालों साल हमारे डिस्प्ले सेम रहते हैं, और नई नई अपॉर्चुनिटी जो स्टूडियो में आती है उसको ग्रैब करना जरूरी है, उसको पकड़ना, उसको सीखना जरूरी है। तो यही एक थॉट प्रोसेस लेकर परसों 17 मई को हम लोग शार्प 2 बजे सेशन शुरू करेंगे। आप सभी का बहुत खूबसूरत सहयोग रहा है आज तक, यही सहयोग आगे भी बना रहे, और अगर किसी का मिस हुआ है सेशन तो आप फोटो आरटीओ यूट्यूब चैनल पर इसको जाकर बाद में भी देख सकते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच, आप सेफ रहिए, घर पर ही रहिए, सुरक्षित रहिए, और मैं समरे सर को फिर एक बार तहे दिल से थैंक यू सर, वेलकम सर, थैंक यू, थैंक यू, जुड़े रहिए, सोबत राहूया, पुढे जाऊया, शिक्षण घेऊया, थैंक यू सो मच, धन्यवाद, टेक केयर, धन्यवाद, धन्यवाद सर, सबका धन्यवाद।